ठीक है, तो डिस्कशन है आपका, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो आप आंसर का स्ट्रक्चर क्या लिख के आएंगे इसमें? देखिए, एक तो होता है कि कई बार क्या होता है, हम मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट आप कंटेक्स्ट को हिट कीजिए, ठीक है। कंटेक्स्ट को हिट करने के साथ साथ एक चीज़ पे और ध्यान रखिए कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आप क्या करते हैं कि आपके सिलेबस में आपने क्या पढ़ रखा है, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस क्या है, तो आपने आँख मीच के सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस को उतार के उगल दिया उसमें। आई विल से दैट सिंपली द वोमिटिंग द कंटेंट इन इट सेल्फ। उस वोमिटिंग करने का आपको ना मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस वही टॉपिक, अगर उसी का मार्क्स देना होता तो उसको ये पहला पॉइंट लिखने की क्या जरूरत थी, सिंपल सी चीज है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि भाई जो फोकल पॉइंट है सोशियोलॉजी का वो क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है। और इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आप ये बताइए कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्कस द सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। देखिए, मेरी स्टेटमेंट्स में आपको ना इनकंसिस्टेंसी लगेगी, लेकिन अब मैं कहना क्या चाहता हूँ उसका मीनिंग समझिएगा। मैंने कहा ये कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आपको डिस्कस करना है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस पे जो उनको कंटेंट बताया है उसको वो पेपर पे उतार देते हैं। ठीक है, अब कंटेक्स्ट तो आपको केवल इस कंटेक्स्ट में जस्टिफाई करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जो मोस्ट ऑब्वियस कंटेंट है ना उसको आपको स्किप नहीं करना है। जो ट्रेडिशनल आपके जो आपके बैठे हैं ना सोशियोलॉजिस्ट या जो प्रोफेसर्स हैं वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंटेंट अगर थोड़ा सा किसी का डाइल्यूट भी हो रहा है ना तो उसके भी मार्क्स मिल रहे हैं। तो दोनों चीजों में बैलेंस कीजिए अपना। ठीक है, कि जो कंटेक्स्ट पूछा गया है वो भी लिखना है एग्जैक्टली, सेकंड उसको कौन सी मोस्ट ऑब्वियस चीज चाहिए वो भी आपको लिखनी है। ठीक, कई बार आप बहुत आपके फाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं उनकी बहुत फाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी लेकिन मार्क्स नहीं आए, और कंटेक्स्ट पे लिख रहे थे, और जो एक तरीके से पेरिफेरल भी कंटेंट लिख रहे थे उसमें आसपास में उनका भी मार्क्स आया हुआ था। तो एक फाइन बैलेंस बना के रखना है। और जैसे आपका स्टेटमेंट आया कि फोकल पॉइंट सोशियोलॉजी का इंटरेक्शन है ना, तो आपको एक पैराग्राफ में आप यही बता दीजिए कि सोशियोलॉजी का फोकल पॉइंट क्या है। फोकल पॉइंट इन द सेंस कि सोशियोलॉजी किस चीज को स्टडी करती है। तो बेसिकली आपको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो सोशियोलॉजी एंड माइक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो सोशियोलॉजी और सेकंड लिखते हुए क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है उनको आपकी आंसर की लैंग्वेज में आने दीजिए। द फोकल पॉइंट ऑफ द मैक्रो सोशियोलॉजी इज द मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या नहीं लिखना है जो आप बोलेंगे कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, नो, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज का वर्ड उठा के आपको आंसर में इनकॉर्पोरेट कर देना है। आपको कौन इनकॉर्पोरेट क्या करना है, द फोकल पॉइंट ऑफ द मैक्रो सोशियोलॉजी इज दिस, क्या है सोशल मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है। तो कौन कौन अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, एमिल डर्खाइम रिलीजन को स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड द फोकल पॉइंट ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी, ऑन द अदर हैंड द फोकल पॉइंट ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी इज व्हाट, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसी को दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। अब सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरेक्शन होगा। अब आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी तो क्या है, सब्जेक्ट मैटर है नहीं कि सोशियोलॉजी का। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि क्या है, कुछ मीनिंग्स हैं, क्या कह रहा हूं, सिंपल क्लास से बाहर हो जाइए आप, एक इंटरेक्शन सिचुएशन है। और आप क्लास से बाहर क्यों होंगे, क्यों बाहर होंगे, क्योंकि
क्योंकि इस ये जो सिचुएशन है ना, इस इंटरेक्शन प्रोसेस में ये पावर रिलेशंस हैं, मैं आपको बाहर कर सकता हूँ, मेरे पास वो अथॉरिटी है। क्लासरूम में टीचर कौन है? मैं हूँ, तो मैं आपको बाहर कर सकता हूँ ना मैं आपको। यानी कि कुछ सब्जेक्टिव मीनिंग्स हैं, यानी कि माय इंटरेक्शन सिचुएशन में जो सब्जेक्टिव मीनिंग्स हैं एक्टर्स के, कि वो क्या मीनिंग अटैच करते हैं, उन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। कैसे करना है अंडरस्टैंड? कैसे करेंगे? यू हैव टू इंटरप्रेट दोज मीनिंग्स, यू हैव टू इंटरप्रेट दोज मीनिंग्स। अब किसको लेके आइए? मैक्स वेबर को लेके आइए। सोशियोलॉजी क्या है? इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन। तो यहां पे मैक्स वेबर, एंड सच काइंड ऑफ मीनिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस से नहीं कर सकते हैं। कॉमन सेंस उनको नहीं कर सकते अंडरस्टैंड मीनिंग्स को। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं इंटरेक्शन सिचुएशन में, कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से है, क्या उस ह्यूमन बिहेवियर को कॉमन सेंस अंडरस्टैंड कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो एग्जांपल किसके देंगे? मान लीजिए किसी ने सुसाइड किया है, तो सुसाइड की कॉमन सेंसिकल वर्सेस सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपकी क्या है? ओके और उन्हीं मीनिंग्स के लिए आपकी डिफरेंट मेथोडोलॉजी क्या है? फेनोमेनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इंटरेक्शन सिचुएशन में, अगर सोशियोलॉजी सर्टेन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को अप्लाई करती है, जैसे आपका फंक्शनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट वेबरियन पर्सपेक्टिव पे किसी से समझ रहे हैं, आप पूर्टी को समझ रहे हैं, पूर्टी की कॉमन सेंसिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है उसकी, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस हैं वो, उसमें सब्जेक्टिव बायस है। क्या आपकी सोशियोलॉजिकल इस तरीके से अंडरस्टैंड करती है? सोशियोलॉजी इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करती है। फिर एम्पिरिकली वेरीफाइड है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है। तो 7 to 8 डायमेंशन पे इन सबको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ अप्लाई करते हुए और थिंकर्स के साथ जस्टिफाई करते हुए लिखिए, आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा। यानी कि जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है आपने वो भी एड्रेस किया है, सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या थिंकर्स उनको भी आपने यूज किया है, और जो मोस्ट ऑब्वियस चीज उसको चाहिए थी एग्जामिनर को, आपने वो भी जस्टिफाई किया उससे, ठीक है। और एक चीज और देखिए, मान लीजिए इसी इंटरेक्शन सिचुएशन में हम कुछ मीनिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो अब ये कुछ एडिशनल कंटेंट है, थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव लिखने के लिए सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस पे, कि कुछ इनोवेटिव किस तरीके से प्रेजेंट करना। मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आके दूसरा क्वेश्चन आता है, सिंपली तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजिकल अप्लाई करती है आपकी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को, जबकि कॉमन सेंस कोई भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करती है। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन द सेंस, मान लीजिए पूर्टी पे ही हर्बर्ट जे गेन्स का क्या फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है, मार्सिस पर्सपेक्टिव भी है, वेबरियन पर्सपेक्टिव्स भी है, क्या कॉमन सेंस ऐसा कोई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई करती है? क्या कॉमन सेंस ऐसा कोई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करती है भाई। यहाँ पे आपका क्या है, मान लीजिए आपकी बुक में क्या दे रखा है, पूर्टी का एक्सप्लेनेशन, तो पूर्टी का फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन, आपका पूर्टी का मार्क्सिस्ट वेबरियन एक्सप्लेनेशन, तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है ना आपके, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फेमिनिस्ट, ये सारे पर्सपेक्टिव्स अप्लाई करती है, कॉमन सेंस से कोई पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करती है। सेकंड, मेथोडोलॉजी, कॉमन सेंस कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं फॉलो करती है, सोशियोलॉजी आपकी क्या फॉलो करती है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी कौन सी आपकी? पॉजिटिविज्म, फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, और यू कैन राइट आल्सो द वेबरियन मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरिकल मेटलिज्म आल्सो इन मेथोडोलॉजी, ठीक है। पॉजिटिविज्म, फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, वेबरियन मेथोडोलॉजी, वेबर की अलग से मेथोडोलॉजी है, हालांकि कुछ बुक में आपका दे रखा होगा कि वो उसको फेनोमोलॉजी से इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि उनके जो बेसिक आइडियाज है ना वो कहीं ना कहीं फेनोमोलॉजी के साथ कन्वर्ज करते हैं, और कुछ में आपका दे रखा कि एथनोमेथोडोलॉजी इज आल्सो टाइप ऑफ फेनोमेनोलॉजी, क्योंकि कुछ ये भी आपस में कुछ शेयर करते हैं कुछ बेसिक अजम्पशंस को, तो वेबरियन मेथोडोलॉजी और आपका हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, ध्यान दीजिएगा। कई बार आप क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं फंक्शनलिज्म और पॉजिटिविज्म को, दोनों अलग चीज है, ठीक है। और मार्क्स है, जैसे आपका मार्क्स भी आपका पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है आपका,
कॉन्फिडेंट परस्पेक्टिव यहाँ पे आएगा, लेकिन मार्क्स भी क्या है, पॉजिटिविज्म है, मार्क्स भी आपका पॉजिटिविज्म है। यानी कि जो डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोलता है कि आउटसाइड को एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट करते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं, वो आपका पॉजिटिविज्म है। यानी कि जब मेथोडोलॉजी का डिस्कस करें तो आप ये यहां से किससे डिस्कस करना है, व्हाट इज देयर बेसिक व्यू अबाउट द ह्यूमन नेचर, क्या वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को मैकेनिकल वे में रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है, इस सारी बेसिक अजम्पशन पे आपकी मेथोडोलॉजी अज्यूम करती है। क्यों, हमें स्टडी ही ह्यूमन बिहेवियर करना है तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, व्हाट इज देयर बेसिक अजम्पशन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। क्या आपको लगता है कॉमन सेंस कोई इस तरीके से मेथोडोलॉजी करती है, करती है क्या, नहीं करती है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट्स, यहां पे क्या कीजिए, यहां पे कम से कम 6 कॉन्सेप्ट लिखिए आप। आंसर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, कॉमन सेंस आप किसी चीज की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं। अगर यहां पे आप कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, क्लास, संस्कृताइजेशन, यू आर एम्प्लॉइंग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स का प्रिसाइज डेफिनेशन है एंड यू हैव टू ऑपरेशनलाइज दोज कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना। सबरीमाला में वुमेन एंट्री कर रहे हैं तो आप यू कैन से दैट इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ संस्कृताइजेशन, यू आर एम्प्लॉइंग द कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन द सोशल फिनोमेना। कॉमन सेंसिकल कोई भी कॉन्सेप्ट्स को एम्प्लॉय नहीं करती है किसी सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, गॉट इट। अब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट सी राइट मिल्स ने दिया है, लाइफ साइंसेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉमन सेंसिकल मीनिंग लाइफ साइंसेज का नहीं है। कोई जीएस का स्टूडेंट यहां पे बैठा होगा तो उसके लिए लगेगा लाइफ साइंसेज का मीनिंग कॉमन सेंसिकल है। यहां आपको मैं लाइफ साइंसेज बोल रहा हूं तो आपको पता है कि मैक्स वेबर की बात कर रहे हैं सर। यस, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हालांकि वो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करूं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को भी समझ में आएगा वो, ठीक है, पब एड के स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, एथिक्स वाले स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, सोशियोलॉजी स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। अब क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता कि पब एड वाले को ही पता है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को नहीं पता कि क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास स्ट्रगल क्या है। कार्ल मार्क्स आपका फिलोसफी में भी आता है, कार्ल मार्क्स आपके ऐसे थिंकर आपका हिंदी लिटरेचर तक में आता है, मार्क्सिस्ट लिटरेचर। कभी हिंदी में एक 10th क्लास में हमारी एक कविता होती थी सुदामा पांडे धूमिल की, कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट या वो एक्सप्लोइटेशन की बात नहीं कर रहा है क्या उसमें वो? तो मार्क्स आपके ऐसे थिंकर है जिन्होंने अक्रॉस द डिसिप्लिन चीजों को इन्फ्लुएंस किया है। तो डोंट गो इनटू दैट डिबेट, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करती है। आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं सब, सोशियोलॉजी का मेजर लाइफ साइंसेज संस्कृताइजेशन, ये क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉमन सेंस से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई थोड़ी करती है, ओके? और सोशियोलॉजिकल नॉलेज आपकी क्या होती है, एम्पिरिकली वेरीफाइड होती है, फॉल्सिफाइड हो सकती है, पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल है, वो टेस्टिंग कीजिए उसकी, हो सकता है सही हो गलत हो, ठीक है, एम्पिरिकली वेरीफाइड और पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। ये नहीं है। और अगर एथनोमेथोडोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजिकल नॉलेज में और कॉमन सेंसिकल नॉलेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कहती है ना एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी क्या कहती है, एथनो मीने पीपल, मेथड्स मीने मेथड्स, लॉजी मीने स्टडी, पीपल्स मेथड स्टडी। वो ये कहती है कि भी सोशल कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर जिसको हम कह रहे हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये तो लोग हैं, इट इज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वो क्रिएट दिस सोशल ऑर्डर। जो हमें सोशल ऑर्डर दिख रहा है ना, जो सोसाइटी बड़े पैटर्न तरीके से चल रही है, ये पैटर्न ऐसा कुछ है नहीं, ये तो कॉमन पीपल है ना, अपने इंटरेक्शन सिचुएशंस में उन्होंने ये ऑर्डर बना रखा है। जैसे मैं इसको कहूंगा, आप बोल देंगे सर ये एप्पल है, ये एप्पल नहीं ये पेन है। अगर मैं इसको बोल दूं ये एप्पल है, और अगर हम मीनिंग शेयर कर ले इसको कि ये एप्पल है, तो एप्पल ही बोलोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो ऑब्जेक्टिव ऑर्डर तो नहीं हुआ, ये एप्पल है पेन है कोई ऑब्जेक्टिव ऑर्डर थोड़ी है, ये ऑब्जेक्टिव ऑर्डर तो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। तो यही तो है ना इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी। इंडेक्सिकलिटी हमने किसकी की, हमने सबने ये बोला कि आओ भी इसका नाम ना पेन रखते हैं,
और रिफ्लेक्सिविटी मतलब कब, जब मैं आपको कहूंगी अपना पेन दिखाना तो आप उठा के यही दिखाओगे ना, बैग तो नहीं उठाओगे। यही इंडेक्सिंग है उस रियलिटी का, यही उसका बार बार उसे रिफ्लेक्सिविटी है। तो यानी कि जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज, जिस ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक सोशियोलॉजिकल नॉलेज की पॉजिटिविस्ट बात करते हैं, ऐसी कोई नॉलेज होती नहीं है। ये तो कॉमन पीपल है जो अपने इंटरेक्शन प्रोसेस में आते हैं, मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं जिससे वो सोशल रियलिटी को समझते हैं, जैसे कि इंडेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी। तो इन दैट सेंस सोशियोलॉजिकल नॉलेज और कॉमन सेंसिकल नॉलेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या गया, ये कन्वर्जिंग का पर्सपेक्टिव आ गया। अब तक तो हम डिफरेंस का देख रहे थे, तो मेथडोलॉजी, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स एंड डिस्कस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू मेथडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, तो जो पॉजिटिविज्म है, एथनोमेथोडोलॉजी है, आपको इनके कंटेक्स्ट में जरूर लिख के आना है। ठीक है, बाकी मैं एक चीज और कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ इसमें। मैं बोल रहा था ना आपको 320 मार्क्स में उठाया जा सकता है, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, इस तरीके से उठाया जा सकता है। मैं कल से किसी से डिस्कस कर रहा था, इंटरेस्टिंग चीज है, केस स्टडी आप ध्यान से देखिएगा उसको। अब मान लीजिए कोविड का कंटेक्स्ट था, अब अभी ना उसमें क्या चले गए, डिप्रेशन में चले गए, इनकी जॉब छूट गई, ऊपर से कुछ और पर्सनल कुछ ट्रेजेडी हुई, तो क्या चलेगी, डिप्रेशन में चलेगी। ठीक है, पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि मिस्टर ए कोविड के कंटेक्स्ट में किस में चले गए, डिप्रेशन में चलेंगे। ठीक है, अब डिप्रेशन की स्टडी कौन सा डिसिप्लिन करता है, साइकोलॉजी करेगा, सिंपल बात है। अब साइकोलॉजी क्या करता है, इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर की स्टडी करता है, इंडिविजुअल आदमी डिप्रेशन में चले गए, इसकी स्टडी कौन करेगा, साइकोलॉजी करेगा। कोई बात नहीं, क्या लगता है आपको, केवल कोविड के कंटेक्स्ट में अभी नवी डिप्रेशन में गया था क्या, कितने लोग डिप्रेशन में गए थे, कितने लोग गए थे अभी डिप्रेशन में, यानी कि अगर मैं आपको पूरा सोसाइटी बनाऊं, आपको मिलियंस ऑफ पीपल गोइंग टू द डिप्रेशन, नाउ इट बिकेम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। डिप्रेशन इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजी डिसिप्लिन स्टडी करेगा। अब मिलियंस ऑफ पीपल आपके डिप्रेशन में हैं, मिलियंस ऑफ पीपल की जॉब छूटी है भाई, पॉवर्टी में ट्रैप हुए हैं, वो अब एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, वो अब इसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो नाउ इट हैज बिकम ए सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्या, किस किस कॉन्सेप्ट का करक्स है, दिस द करक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट का करक्स है। यानी कि जब तक वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी वो साइकोलॉजी का डोमेन थी, अगर वो उसमें पैटर्न है आपको बन रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल उससे इंपैक्ट हो रहे हैं, नाउ इट इज बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने सुसाइड को, उसने एमिल डर्खाइम का करक्स ये था कि भी इंडिविजुअल केसेस ऑफ सुसाइड को स्टडी करना सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का काम नहीं है, हमें किसी भी सोशल फिनामिना को कलेक्टिविटी में स्टडी करना है। तो एमिल डर्खाइम कभी सुसाइड की थ्योरी नहीं देते हैं, वो बोलते हैं थ्योरी ऑफ सुसाइड रेट, रेट का मतलब होता है पैटर्न, इंडिविजुअल केस को मना करते हैं। इन दैट सेंस ही इज नॉट कंसर्न विद द सुसाइड एज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट, नो, सुसाइड एज ए सोशल फैक्ट, नॉट एज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या आई, मैं आपको सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से क्यों लिंकेज कर रहा हूं, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो बुक लिखी थी वो सी राइट मिल्स ने लिखी थी 1959 में। तो बेसिकली तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं वहां पे, वार, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डाइवोर्स रेट। मान लीजिए आपका डाइवोर्स हो गया हो, आप बड़े परेशान हैं, क्या वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, यानी कि टू एन एक्सटेंट वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर सोसाइटी में वो फिनोमेना कलेक्टिविटी में मिल रही है तो वो क्या है, अब एक सोसाइटी प्रॉब्लम है। तो यानी कि यहां पे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, डिप्रेशन का कोविड के कंटेक्स्ट में एग्जांपल दीजिए, ठीक है, कि कैसे मिलियंस ऑफ पीपल को इसका एग्जांपल, ठीक है, माइग्रेंट्स का एग्जांपल। और एक इंटरेस्टिंग वे और बना रहा हूं आपको क्वेश्चन पूछने का, जो आपकी यूरोप की या यूएसए की यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, या आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, उसे पूछ रहे हैं वो। मान लीजिए मैं आपको, मैंने भी क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की थी, फिर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स अप्रिशिएट नहीं करेंगे,
एक माइग्रेंट वर्कर की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ और क्वेश्चन नीचे मैं दे दूंगा 50 मार्कर का, यूजिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इस पे क्रिटिकल नोट लिखिए। केवल माइग्रेंट की पिक्चर दिखाऊंगा आपको, तो उसका सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन करके कैसे आपको उस पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनको जो इन्होंने बुक ली थी कौन सी प्रॉब्लम्स का, जिसके कि मैंने वॉर, वॉर एक सोशल फिनोमेना है, उसका सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन या सोशियोलॉजिकल रीजनिंग लगा के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे 2011 में ब्रिटिश में यूके में राइट्स हुए थे, तो उसका भी सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा ना कि डेप्रिवेशन किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है उनको। ग्लोबलाइजेशन ने जो दिखाया था, जिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई थी, वो तो कुछ मिला नहीं। अब आप बाहर जाएंगे, 15,000 के एडिडास के शूज पहन रहे हैं, जेब में 15 रुपए नहीं है। मतलब आपको ग्लोबलाइजेशन जॉब क्रिएट कर रहा है आपकी स्विगी जोमेटो वाली, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन रेज कर रहा है वो किसकी कर रहा है, 15,000 के शूज वाली। मान लीजिए कोई एक सिंपल फिनोमेना राइट्स को भी देख रहे हो, तो किससे दिख रहा है आपको, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यानी कि यहाँ पे अगर वॉर की प्रॉब्लम है सोसाइटी में, डाइवोर्स रेट इंक्रीज कर रहा है, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी की जॉब छूट गई है, जॉब नहीं लग रही है, या फिर कोविड के कंटेक्स्ट में जो प्रॉब्लम हुई है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ किसका टॉपिक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, साइकोलॉजी का। अब मेंटल हेल्थ कितना बड़ा सोशल इशू आपको अंदाजा है उसका, या सोशियोलॉजिकल कॉमन सेंसिकल है। आप किसी के घर में बता नहीं सकते कि मेरे को, मैं डिप्रेशन में हूं, क्या बोलेंगे, पागल हो गया। और पड़ोसियों में एक बार पागल पागल कहना स्टार्ट कर दिया ना, 10 दिन बाद आपको भी रिलाइज हो जाएगा मैं पागल तो नहीं हूं। मतलब सीरियसनेस उस इशू को नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है। तो कितना, किस एक्सटेंट तक कोई सीरियस प्रॉब्लम है, और उसके लिए क्या चाहिए, एक पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहिए स्टेट का। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है वो उस इश्यूज को कंसिडर कर रही है। माइग्रेंट लेबर है, एक नहीं था, लाखों की लाखों सड़कों में वापस घर गए हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या था, पीएम गरीब कल्याण योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए उनको लोगों को, ओके, मनरेगा को रिएक्टिवेट किया गांव में, ज्यादा फंड अलोकेशन किया ताकि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो ये क्या है, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से ही आपका आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड, मैं इसको कोरेट किससे कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस से। कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉब्लम्स की नहीं हो सकती है, यानी कि सी राइट मिल्स एक्सप्लिसिटली मना करते हैं, कॉमन सेंसिकल उस पर मत जाइए भाई। ऐसी इंसाइट, ऐसा नजरिया, ऐसा परस्पेक्टिव, ऐसी रीजनिंग, ऐसी इमेजिनेशन केवल सोशियोलॉजिस्ट में ही हो सकती है, कि वो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को भी लार्जर सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से कोरिलेट करके देख सकता है, और उस प्रॉब्लम के लिए स्टेट को एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। गॉट इट? तो इसी तरीके से आपने अपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी होगी 11th की, तो उसमें एक पिक्चर दे रखी है, एक होमलेस कपल बैठा है, और उस ब्रैकेट में दे रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब एक पर्सनल प्रॉब्लम है, वो 1 लाख के पहले होमलेस नहीं है, हो सकता है पूरे इंडिया में 20 मिलियन पीपल हाउसलेस होमलेस मिले, वो उसके कोरिलेशन किससे होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना से। ये आपकी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है किसी चीज को समझने की। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पे 20 मार्कर क्वेश्चन यूपीसी ने पूछा था, शायद 2018 ने पूछा था, 8th का ए पार्ट था, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी से कोरिलेट करके सी राइट मिल्स। वो आपकी एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन ही स्टेटमेंट उठा के दे रखी है वो। तो सोशियोलॉजिकल, अब यहाँ से देखो नॉलेज को फर्टिलाइज करना है। कोविड में कोविड का एनालिसिस आप किससे कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से। कोविड का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आप मटन के मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को भी यूज करके कर सकते हैं। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी डिसिप्लिन में क्या कोरिलेशन है, सारा एक्सप्लेन करके आप एमिल डर्खाइम की डिबेट लेके सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की डिबेट लेके आ सकते हैं, कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी अगर इस लेवल तक है तो क्या है, और इस लेवल पे है तो वो सोशियोलॉजिकल है, और इस लेवल पे है तो गवर्नमेंट को एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक मेरे स्टूडेंट, उन्होंने आंसर लिख रखा था, उन्होंने कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में सोशियो साइकोलॉजी में क्या लिख रखा था, कि भी आजकल मान लीजिए किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो उसको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल नहीं भेजा जाता, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। इट बेसिकली शोज योर परस्पेक्टिव, योर अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग। गुड इट? तो रेलिवेंस ये भी है, तो रेलिवेंस में भी सोशियोलॉजी, आप साइकोलॉजी का केवल डिसिप्लिन में कोरिलेशन बता रहे हैं, तो ट्रेडिशनल थिंकर्स को 2-3 पेज बता के कंटेम्प्रेरी ये दिखाइए ना पूरा रेलिवेंस। सोशियोलॉजी को तो बहुत इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है, एक एक की प्रॉब्लम किसकी सोल्व करेंगे साइकोलॉजी में, लेके हम पॉलिसी लेके आएंगे पूरा, एक नया पर्सपेक्टिव देगा आप चीजों को समझने के लिए, ठीक है।
तो देखो किस चीज को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, सोशियोलॉजी कॉमन साइंस को 6 पेज लिख के आ जाइए अभी इतने पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूजिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यूजिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कमेंट ऑन द यूसेज ऑफ मोबाइल फोन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यूजिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यूसेज ऑफ मोबाइल फोन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। आंसर का स्ट्रक्चर समझिए, 10 मार्कर के हिसाब से समझिए और 20 मार्कर के हिसाब से समझिए। ठीक है, मान लीजिए 20 मार्कर में भी आ सकता है ना ये क्वेश्चन। अगर आपका 20 मार्कर आता है तो आउट ऑफ 4 पेजेस 1 पेज आप केवल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में लिखिए कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यही क्वेश्चन 10 मार्कर है जैसे कि मैंने दे रखा है तो 2 पेज में जो फर्स्ट पेज है उसका हाफ पेज आपका केवल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन करने में हो, या हाफ से भी नीचे चले जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका देखने में भी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये 2 पेज है आपका, कम से कम यहां तक केवल कॉन्सेप्ट बताइए। जितना बढ़िया आप किसी को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे उतना बढ़िया आप उसको यूसेज बता पाएंगे। जब कॉन्सेप्ट ही आप कॉम्प्रिहेंसिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे लिख पाएंगे। और कॉन्सेप्ट में भी मोस्ट ऑफ ये चीज़ें स्टार्ट कीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को सी राइट मिल्स ने अपनी बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 में जो पब्लिश हुई थी उसमें दिखाया है। जो बुढ़ा प्रोफेसर है ना उसको ये बात बहुत बढ़िया लगेगी, इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा वो कि हाँ इस लड़के को कॉन्सेप्ट पता है, उस बुक में है और वो बुक कब पब्लिश हुई थी, 1959 में हुई थी। ठीक है, इसलिए एमिल डर्खाइम की चारों वो बुक्स हैं उनकी डेट याद रखिए कि 1893 जो उनकी में बुक हुई थी उनकी डिवीजन ऑफ लेबर थी, वो उनकी पीएचडी थीसिस थी। 1895 में उनकी बुक का नाम सोशियो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो आई थी जिसमें उन्होंने मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर पॉजिटिविज्म की बेस्ट स्टडी नहीं मानी जाती है। बेस्ट स्टडी कौन सी मानी जाती है, द सोसाइटी जो 1897 में पब्लिश हुई थी, और जो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ थी वो आपका क्या था, 1912 में पब्लिश हुई थी। तो कुछ लड़के बोल देते हैं सर डिवीजन ऑफ लेबर पॉजिटिव नहीं स्टडी है, उसे पहले तो मेथोडोलॉजी नहीं दी थी तब तो उन्होंने पहले कैसे अप्लाई कर देंगे उसको वो। तो क्लासिकल एग्जांपल उनका वही था कि 1895 में वो मेथोडोलॉजी देते हैं और 1897 में उसको अप्लाई करते हैं द सोसाइटी बुक में। तो क्लासिकल स्टडी जब भी पॉजिटिविज्म की आए तो द सोसाइटी के बिना वो आपका आंसर अधूरा है। और फिनोमेनोलॉजी जब भी एक्सप्लेन करें, पॉजिटिविज्म के क्रिटिक में फिनोमेनोलॉजी आई थी, और एथनोमेथोडोलॉजी जब एक्सप्लेन करें उसी के क्रिटिक में, तो जब भी पॉजिटिविज्म फिनोमेनोलॉजी एथनोमेथोडोलॉजी आएगी तो द स्टडी की सोसाइड पॉजिटिविज्म के परस्पेक्टिव से, और जिसने भी पॉजिटिविज्म को क्रिटिक किया है उसने द सोसाइटी की स्टडी को क्रिटिक किया है, और जिसने फिर एथनोमेथोडोलॉजी ने क्रिटिक किया है उसने फिर द सोसाइटी को फिर क्रिटिक किया है उसने। तो इन चीज डायमेंशंस पे कभी लिख के आए तो उस स्टडी का आपका जिक्र जरूर होना चाहिए। इतना बड़ा फंडामेंटल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपने एथ्रोमेथोलॉजी बता दिया सोसाइटी का जिक्र ही नहीं किया। जो एथ्रोमेथोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो जो थ्योरी ऑफ सोसाइटी रेट है उसको पता क्या बोलते हैं, इट इज द कॉर्नर थ्योरी ऑफ सोसाइटी रेट। भाई कॉर्नर क्या है, सोसाइटी का मेंबर है वो लेबल कर रहा है। कॉर्नर क्या होता था, एक पुलिस ऑफिसर होता था जो रिकॉर्ड करता था, तो उसका यही पर्सपेक्टिव था एथ्रोमेथोलॉजी। भाई जो जैसे कॉर्नर जैसे मेथड है ना वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उनका, तो डॉक्यूमेंट्री मेथड आता है ना आपका एथ्रोमेथोलॉजी में, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे तो उसकी थ्योरी ऑफ सोसाइटी डेट होगी, जिसने किया है उसकी थोड़ी हुई है। मान लीजिए अभिनव कर रहे हैं उन्होंने सुसाइड की है, और देखिए सिंपल है फिर मैं बता रहा हूँ, 90% स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं, सर पॉजिटिविज्म फिनोमेनोलॉजी और एथ्रोमेथोलॉजी में डिफरेंस क्या है। भाई तुमने सबने सुसाइड कर ली मान लीजिए, ठीक है अजम्पशन कर लीजिए, अब मैं सोशियोलॉजिस्ट हूं, मैं थ्योरी ऑफ सुसाइड रेट दे रहा हूं, डिफरेंट वेरिएबल्स में एनालिसिस कर रहा हूं कि नहीं पीटी हुआ होगी,
सबके सब लटक गए। ये ऑब्जेक्ट, मैं इस को ऑब्जेक्टिव तरीके से फैक्ट बना रहा हूं, दिस इज द थ्योरी ऑफ सुसाइड रेट। ठीक है, या किसी की शादी नहीं हो रही थी, मैरिटल मैरिज एज ए वेरिएबल नहीं है, मेरी शादी हो नहीं रही थी, लोगों ने सुसाइड कर ली, अले अकेला फील कर रहे थे, कुछ जिंदगी में ही नहीं लग रहा था कि शादी नहीं होगी तो कैसे होगा। ये पॉजिटिविज्म का पर्सपेक्टिव है। फेनोमोलॉजी क्या कहता है कि मान लीजिए गौतम ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, तो भाई गौतम का क्या मीनिंग था सुसाइड करने का? सबका कोई, सबका कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग थोड़ी होगा। गौतम से पूछा गया, गौतम से कैसे पूछा, गौतम तो लटक गया। तो फेनोलॉजिक्स क्या कहेंगे भाई, या उन पे स्टडी करो जिन्हें अटेम्प्ट किया है सुसाइड करने का, उनके सब्जेक्टिव मीनिंग्स को समझना है। यानी कि फेनोमोलॉजी बोलती है जो एक्टर है, जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके सब्जेक्टिव मीनिंग को आपको समझना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठा भाई, फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है? बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान समझिए। एक्टर जो टर्म यूज करते हैं वो फेनोमेनोलॉजी करती है, एथनोमेथोलॉजी जो टर्म यूज करती है वो टर्म यूज करती है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर। तो अब ध्यान है, फिर गौतम ने सुसाइड कर लिया, फिर सबने सुसाइड कर लिया, तो इसको एथनोमेथोडोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करेगी? ध्यान दीजिए, आप सब ने सुसाइड किया, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूं, अब सोसाइटी में ही एक मेंबर यहां पे बैठा है, सिद्दीक है, सिद्दीक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, अच्छा इसने सुसाइड, अच्छा था नहीं इसका मर्डर, इसका सुसाइड। तो एथनोमेथोडोलॉजी ये कर रही है, अभी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है ना, ऐसे मेंबर्स, कोरोनर, ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना सोशल रियलिटी को। अगर इसने लेबल कर दिया मर्डर तो मर्डर ही है, डॉक्यूमेंटेशन तो ये कर रहा है, लेबल ये कर रहा है, इंडेक्सिंग ये कर रहा है, यानी कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कर रहे हैं। तो फेनोमेनोलॉजी एथनोमेथोडोलॉजी डिफरेंस समझ में आया? माइनूट सा डिफरेंस है। तो एथनोमी ने पीपल, मेथड मीने मेथड, लॉजी मीने स्टडी, एथनोमेथोलॉजी यानी कि पीपल्स मेथड स्टडी। और जिस ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर की बात कर रहे थे पॉजिटिविस्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ नहीं, आप कभी थिएटर ड्रामा देखते हो, थिएटर ड्रामा क्लासिकल एग्जाम्पल है एथनोमेथोलॉजी का, वो रियल नहीं है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। अब इरफान खान को देख के मत समझना कि पांच सिंह तोमर बंदूक लेके घूम रहा है, एक्टिंग कर रहा था वो। हम सोसाइटी में, यानी कि एक्टिंग से हमने क्या लगा, रियल है, ये तो ऑर्डर है, ये सोसाइटी भी है ना, एक्टिंग है, ऑर्डर कर रहे हैं आप सब, स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, फिर शादी हो जाएगी हस्बैंड का रोल प्ले करेंगे, फिर एक दिन चले जाएंगे। कहते हैं ना गांव में, कहते हैं कि सब आप अपना रोल निभाने आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। तो क्या है, समझ में आया? तो यही सब है। तो चले हम और कहीं गए थे, बताओ और पूछ रहे थे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बता रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है, फेनोलॉजी डिफरेंस ही पता चलता कि क्या है। तो उस क्वेश्चन को कभी भी एड्रेस करें तो इस तरीके से एड्रेस करना, आपको क्वेश्चन आ जाए कि नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोलॉजी कैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, पूछे नॉन पॉजिटिविस्टिक चार पेज पे, तो ध्यान रखिएगा दो डेढ़ पेज तक कम से कम पॉजिटिविज्म बताइए। नॉन पॉजिटिविज्म भी तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप पॉजिटिविज्म बता पाएंगे, फिर उसमें सुसाइड की स्टडी बताएंगे, सुसाइड का क्या है, सुसाइड ऑल्सो इन ह्यूमन बिहेवियर, फिर आप फेनोमोलॉजी पे आएंगे, फिर डिटेल में आप सोसाइटी की स्टडी बताएंगे, फिर मीनिंग्स बताएंगे आप, फिर आप एथ्रोमेथ्रोलॉजी पे आएंगे, फिर आप बताएंगे कैसे ह्यूमन बिहेवियर का एक्सप्लेन करता है, फिर बोलते हैं सभी कर रहे हैं, सबका पर्सपेक्टिव सब में क्वेश्चन पार्शल ट्रू है। तो किस तरीके से क्वेश्चन का कंटेक्स्ट बनता है, उस बेसिस पे अपने आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए। स्टैंडर्ड केस स्टडीज हैं उनको लिखिए, बाकी फिर कंटेम्प्रेरी लास्ट पेज पे अपना कंटेम्प्रेरी का लिखिए। ट्रेडिशनल बेसिक से स्टार्ट किया, जो है नॉन पॉजिटिविज्म आया, नॉन पॉजिटिविज्म के बाद उनको सारे को इंक्लूड करके आपको कंटेम्प्रेरी बताया कि कैसे है। एक होलिस्टिक लगे को उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी चीज़ हवा में नहीं होती है, किसी के कंटेक्स्ट में आती है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए सिंपल भी, फेनोमोलॉजी एथनोमोलॉजी इन पे लिखिए, एथनोमोलॉजी स्टार्ट कर देगा, अरे जिस चीज़ में ऑर्डर में चीज़ें आई हैं वो लिखिए ना, पॉजिटिविज्म लिख रहे हैं पहले एमिल डर्खाम लिख दिया, नीचे ऑगस्ट कॉम्ट लिख दिया, अरे फादर ऑफ द सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट है, स्टार्ट वहाँ से हुआ है पॉजिटिविज्म, लिख तुम उसको नीचे रहे हो, तो अच्छा प्रोफेसर होगा वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा।
बेसिक चीजों से पता चल जाएगा इसको, असेंस या अंडरस्टैंडिंग एक वही चीज नहीं है कि सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के इमेजिनेशन पे आधा पेज लिखिए जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया वो, ठीक है। बाकी यूसेज ऑफ द मोबाइल फोन सब लिखिए आप। अब यूसेज ऑफ मोबाइल फोन पे आप जितने भी हैं सब एक एक करके बताइएगा, ध्यान रखिएगा सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव से ही बताना है। व्हाट इज द यूसेज ऑफ मोबाइल फोन? कैसे कम्युनिकेशन, कैसे किस किस से कम्युनिकेट करते हो आप? अच्छा सच में, मतलब इसको सिंपली और बेटर लैंग्वेज में लिखिए ना। जिस तरीके से लोग इंटरेक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, ट्रेडिशनल वेज हैज चेंज्ड। यू हैव आल्सो टू शो द वे हाउ इट हैज ब्रिंग द सोशल चेंज, टू अवॉइड द एलिगेशन ऑफ व्हाट, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। आप जो कह पा रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, कॉपी में लिखेंगे उसको कौन समझेगा? इन्होंने सिंपल बोला कि सर कम्युनिकेशन में काम आता है अपने पेरेंट्स से फैमिली से, वो क्या? तो इसमें सिंपली पता क्या सोशियोलॉजिकल सेंस कैसे होती है लिखने के लिए, वो सिंपल है कि ट्रेडिशनली किस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते थे। अब चिट्ठी तो नहीं लिखते अपनी गर्लफ्रेंड को, कबूतर में डाल के तो नहीं भेजते कि जा कबूतर जा जा, वो गाने भी आने बंद हो गए हैं। 1980s में क्या आता था, कबूतर जा जा जा, 90s में क्या आया, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, अब क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे आ गई ना बात तो सीधी। किस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते थे वो चेंज हो गया है, ठीक है, उनके वेज चेंज हो गए हैं। और फिर आज के टाइम में क्या है, आपका फैमिली कहाँ पे रह रहा है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी सिस्टर कहीं पे जॉब कर रही है, आपका फैमिली गाँव में रह रहा है, सब क्या कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल मोबिलिटी जो आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हुई है उसने किस डिस्टेंसेज रिड्यूस कर दिए हैं उसने। हो सकता है आपका कजन को यूएसए में बैठा हो तो उसके बैठ के यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं आप वीडियो कॉल। अरे शादियाँ ऑनलाइन हो रही हैं, क्यों क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो टर्म्स को? सोशियोलॉजिस्ट मत बनो, जो है वही रहने दो। जब आधे पेज पे आपने, मैंने बता दिया आपको कि आधे पेज पे आपने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है ये ऐसे एक्सप्लेन करता है, जबरदस्ती हर एक लाइन में सोशियोलॉजी घुसाने की क्या जरूरत है? मैं बताऊंगा क्या हुआ, हैवी होर्ड तुम क्या कर रहे हो, और मैं 4 साल से बोल रहा हूँ ये पैरा ट्रूपिंग ऑफ हैवी वर्ड्स नहीं करना है। पैरा ट्रूपिंग समझते हो, ऊपर से ड्रॉ दिया एलिनेशन अनोमी 18 वर्ड को दिया और बोले सर ऐसा सोशियोलॉजी का हूँ किसी को समझ में नहीं आएगा, और वो सच में किसी को समझ में नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट कम्युनिकेशन करेगा किसी ने वेज ऑफ कम्युनिकेशन चेंज कर दी है, आप अपने फैमिली मेंबर्स से, क्योंकि आप ज्योग्राफिकल मोबिलिटी और दूर दूर रह रहे हैं तो उनसे कम्युनिकेशन हो गया, तो फैमिली मेंबर्स आ गए, फैमिली कहाँ पे है, सोशियोलॉजी नहीं है क्या? तो जरूरी है वो एलिनेशन घुसाना, एलिनेशन को जस्टिफाई करके दिखाना एक बार ये तो एलिनेशन को कम कर रहा है। एलिनेशन की एक फॉर्म क्या है, लोनलीनेस है ना, तो लोनलीनेस को तो कम कर रहा है ये। मतलब कोई भी टर्म ऐसी यूज मत करो कि तुम उसको जस्टिफाई ना कर पाओ। सेकंड आपने क्या लिखा, सेकंड आपने बनाया सर एम गवर्नेंस, और इसमें फिर सोशियोलॉजी लेके आओ। क्या कर रहा है स्टेट, क्या कर रहा है डायरेक्ट सिटीजन को सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर रहा है। अब फार्मर्स क्या है, फार्मर सोशियोलॉजिकल ग्रुप, सोशियोलॉजी का स्टडी है ना, फार्मर्स को क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके फसल के कितने दाम है, आपकी फसल में अब बारिश होने वाली है, अब पानी नहीं देना है। फार्मर सोशियोलॉजी नहीं है क्या? इसमें किस तरीके से सर्विस डिलीवरी में एलपीजी की सब्सिडी आ रही है उसका मैसेज दे रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है उसमें नहीं आ रहा क्या? इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन में रोल नहीं है क्या मोबाइल गवर्नेंस का? फिक्टिव किनशिप टाइज बॉन्ड हो रही है। फेसबुक फ्रेंड क्या है, फेसबुक और कुछ पे फ्रेंड भेजते थे ना, अभी इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, यू आर कनेक्टिंग टू द पीपल, किनशिप टाइज है अलग से, फिक्टिव किनशिप टाइज है, तो न्यू किनशिप टाइज आ रही है। एक चीज और इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बतानी थी इसमें, वो क्या कि पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था अपने स्टूडेंट्स को लिखने के लिए टेस्ट सीरीज में, मैंने उन दोनों को आउट ऑफ 10 7-7 marks दिया था, 6-7, और उनको ये भी नहीं पता था कि सोशियोलॉजी के इमेजिनेशन क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, फिर भी उन्होंने आउट ऑफ 10 6 marks दिया था। पता क्या, ये तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम ऐसे क्वेश्चन को देख के पेपर में सरेंडर करते हो कि लिख के आते हो,
अगर बेसिक उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता तो आप ये तो समझ सकते हैं ना भाई, सोशियोलॉजी का पेपर तो सोशियोलॉजी ही लिखना होगा इसमें। उन्होंने ऐसे ही पॉइंट लिख रखे थे और मैंने कमेंट दिया था कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटीज का नहीं है, एक बार देख लीजिएगा इसको, लेकिन फिर भी मैं इसमें मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि आपके कंटेंट जो है उसका, वो आपका सोशियोलॉजिकल है, वो आपकी जस्टिफिकेशन बहुत बढ़िया, मैं उससे कन्विंस्ड हूँ। तो मार्क्स आपके ना एटीट्यूड के भी उठेंगे। आप जब 50 बुक के चले पढ़ के जाइए, कुछ हर साल नया ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको देख के आपको सरेंडर करना है या फिर उसको टैकल करना है। किसी का अगर 270 आ रहा है, 290 जो बढ़ेगा ना उसका, 270 ही इज एन एक्सीलेंट इन द सोशियोलॉजी। 265 किसी का इस साल है, ही इज रियली एक्सीलेंट इन सोशियोलॉजी। बाकी का नंबर उसकी गट फीलिंग का, उसको कैसे मैनेज करता है, कैसे उसको आर्टिकुलेट करता है, उसका आएगा। ठीक है, तो इस लाइन पे जबरदस्ती का पैराट्रूपिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं करना है। जब आपने कॉन्सेप्ट को ही आधे पेज से बता दिया तो उस जबरदस्ती क्या जरूरत है आपको, और यहां पे आप लेके आ रहे हो। गॉट इट? तो कैसे चेंज लेके आया है वो सब करते हैं। हाँ, उसमें भी आपको कुछ इनसाइट देनी तो दे सकते हैं। डिजिटल डिवाइड है, मोबाइल का एक्सेस नहीं है लोगों के पास, अफोर्डेबल नहीं है। तो जो आज एजुकेशन जो एक्सेस हो रखा कोविड के कंटेक्स्ट में, मोबाइल ने कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया है। एजुकेशन आपका सिलेबस में नहीं है क्या? सिलेबस है तो वो लिख के आइए, तो बैरियर्स दिखाइए इसमें। और फिर एक वैल्यू जजमेंट भी हालांकि अवॉइड किया जाता है सोशियोलॉजी में, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं भाई, जो डिजिटल डिवाइड है, मोबाइल का एक्सेस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कोविड के कंटेक्स्ट में, बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी सरकार के गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, ध्यान से देखिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है, या तो टैबलेट प्रोवाइड करना या मोबाइल फोन प्रोवाइड करना, बजट अलोकेशन हो रहा है, उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट वेज है ये। उस स्टेटमेंट से आप कंक्लूड कर दीजिए। अब अपने क्वेश्चन का लेवल समझिए, लेवल इन द सेंस कि आपने बेसिक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बताया 1950s का, फिर उसका उसने आपने कंटेम्प्रेरी यूसेज बताया, उसके बाद आपने देखा कि गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, फिर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। चार पेज पे भी आप इसको लिख के आएंगे इस तरीके से, आउट ऑफ 20 ऐसे क्वेश्चन में आपको 16 तक मार्क्स मिलेंगे, 80% मार्क्स। या एम बैंकिंग, यू कैन सी द हाउ इट लीड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट फर्दर लीड्स टू द सोशल इंक्लूजन। तो इंक्लूजन क्या आपके सिलेबस में, नॉट सोशल जस्टिस, इंक्लूजन, या दैट इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। तो इस तरीके से आर्टिकुलेट करेंगे नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, यू कैन से डिजिटल कनेक्टिविटी पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इंडिया डिस्टेंट एरियाज, यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट, डिस्कस द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट ऑन द मेकिंग ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। केवल पॉइंट लिख देता हूं, बाकी आप लिख लेंगे। और इस क्वेश्चन में लिमिटेशन क्या है वो बताता हूं मैं लिखने की, 6 साल से देख रहा हूं। एक ही लिमिटेशन है, सबसे पहला टॉपिक होता है सिलेबस का, सबको पता भी होता है, प्रेजेंट कैसे करना वही नहीं समझ में आ रहा। और लड़के पता क्या गलती करेंगे, मान लीजिए पे 2 पेज दे दिए, पहले पे सब कुछ बता दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट मूवमेंट, सब कुछ ना। नेक्स्ट में जो 3 लाइन बच गई ना, उसमें लिख दिया इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एक लाइन में पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दिया, लास्ट में बस 2 लाइन में घुसा दिया इट लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो पता तो है उसको आर्टिकुलेट कैसे करें। मान लीजिए भाई, ये कंटेंट आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, या एनलाइटनमेंट क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, उसको आपको इस डिसिप्लिन से कैसे कोरिलेट करना है हर एक पैराग्राफ में। ध्यान से दीजिए, हर एक पैराग्राफ में हेडिंग दीजिए, उस हेडिंग में ही जस्टिफाई कीजिए कि भाई इसने कैसे सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन को एमर्ज करने में इन्फ्लुएंस किया है। दैट इज द बेस्ट वे टू जस्टिफाई द थिंग। जैसे आपका एक टॉपिक है, जैसे टीबी बोटोमोर ने आइडियाज दे रखे हैं, ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, व्हाट इज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, किसने बोला आपका, टीबी बोटोमोर, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री,
बहुत से को ये समझ में नहीं आता कि ट्रम्प तो लिखी है पर इसमें है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं और कैसे उसने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को इन्फ्लुएंस किया। देखिए उस टाइम पे जो सोसाइटीज मूव कर रही थी डार्क एजी से मॉडर्निटी की तरफ, जो मूव कर रही थी फ्यूडल से इंडस्ट्रियलिस्ट मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो बन रही थी, वो जो चेंज हो रहे थे उस टाइम पे उनके जो फिलोसफर्स थे उन्होंने उन चेंजेस को प्रोग्रेसिव बताया। ये जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी जिन वेज में जा रखी है ये प्रोग्रेसिव है। हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे आप सिंपल लेके चलिए चेंज। उन आइडियाज ने उन चेंजेस को क्या बताया, प्रोग्रेसिव बताया कि सोसाइटी ऐसे स्टेजेस में मूव कर रही है। तो इन आइडियाज ने किसको इन्फ्लुएंस किया, ऑगस्ट कॉम्ट को भी इन्फ्लुएंस किया, कार्ल मार्क्स को भी इन्फ्लुएंस किया। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, इसने ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या बोला आपका, ये लीजिए ये आपकी क्या है, थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। सबने बोला कि सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव मूव कर रही है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए सोसाइटी ऐसी तरीके से स्टेजेस में मूव करेगी। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया, स्टेजेस दिया आपकी। तो यहाँ पे आप फिलोसफर्स दिखाइए जो आपके एनलाइटनमेंट के फिलोसफर्स थे उन्होंने, और फिर कैसे उनकी राइटिंग्स का सोशियोलॉजी में इन्फ्लुएंस आया, अगोस्ट कॉम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस एंड द स्टेजेस ऑफ द एज शोन बाय द कार्ल मार्क्स, अगोस्ट कॉम एंड कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी उसने क्या बताया कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन होता है, या फिर लाइफ अर्थ पे किस तरीके से इवोल्व होती है। तो उसने फिर सोशियोलॉजी में क्या इन्फ्लुएंस किया, उसने सोशियोलॉजी में इवोल्यूशनरी अप्रोच को लेके आया वो, कि जिस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है, लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन होता है, ऐसे सोसाइटी भी का भी इवोल्यूशन होता है। और ये जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है स्टार्टिंग में किसकी राइटिंग्स में देखने को मिलती है, हर्बर्ट स्पेंसर की राइटिंग्स में देखने को मिलती है, कि जो चेंज आएगा सोसाइटी में वो कैसे आएगा, इवोल्यूशनरी चेंज आएगा सोसाइटी में। तो अगेन यू जस्टिफाइड द वेरी कंटेक्स्ट हाउ दिस आइडियाज लेड टू द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। फिर आपने क्या लिखा नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द नेचुरल साइंसेज, मतलब जो आपका जियोलॉजी में बायोलॉजी में केमिस्ट्री में फिजिक्स में जो डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो उन्होंने क्या किया, फिजिकल रियलिटीज को गवर्न करने के जो लॉज थे उनको डिस्कवर किया। तो उससे इंस्पायर हुआ सोशियोलॉजिस्ट कि सोसाइटी के जो अंडरलाइंग लॉज हैं अगर उनको हम डिस्कवर कर ले तो हम सोशल रियलिटी को और सोशल चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन लॉज की बात कौन करता है, पॉजिटिविज्म, तो कौन आएगा, ऑगस्ट कॉम्ट और एमिल डर्खाइम। फिर क्या है आपका, मेथड ऑफ सोशल सर्वेज, यानी कि किसी सोशल प्रॉब्लम को समझने का जो आपका पर्सपेक्टिव है वो आपको इंट्रोस्पेक्शन से नहीं समझना है बैठ बैठ के, क्या थियोलॉजिकल, उसको इम्पीरिकल मेथड्स अडॉप्ट कीजिए, लाइक द सोशल सर्वेज। तो फर्स्ट टाइम पुअर्टी को सोशल फिनोमिना की तरह देखे जाने लगा रादर देन अ नेचुरल फिनोमिना, और इन्हीं सोशल सर्वेज के मेथड्स पे कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरीज को बिल्ड किया था, जो ब्रिटिश में जो ब्रिटेन में जो सोशल सर्वेज कंडक्ट किए थे उन्हीं के बेस उन्हीं डाटा को उन्होंने यूज किया है। ठीक है, फिर एनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज क्या थे, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेंपर। तो इसने क्या किया, सोसाइटी में ही चेंज लेके आया ये। ठीक है, तो किस चीज पे एम्फेसाइज होना चाहिए, सोशियोलॉजी बिकम ए इंपीरिकल साइंस ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, लॉजिक से आपको सोशल फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इन्हीं एनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज वगैरह ने क्या किया, इनडायरेक्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ट्रांजिशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिस्टरबेंस आई, उस डिस्टरबेंस को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कौन आ गए, ऑगस्ट कॉम्ट आ गए। और इन्हीं जब आप रैशनैलिटी लॉजिक आपका माइंड करेगा तो उसी परस्पेक्टिव से आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, उसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसको लेके आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं इन आइडियाज ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन के एमर्ज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट मैटर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के राइज में ही इन्होंने डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन किया। फिर उन मॉडर्न सोसाइटी जो राइज हो रही है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक न्यू डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन आपके थे फिलोसफी, थियोलॉजी, रिलीजन, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उस जरूरत ने एक नई डिसिप्लिन के राइज को फैसिलिटेट किया। तो
तो इसका मतलब आपका जो आंसर का आर्टिकुलेशन होना चाहिए उसमें एक सिस्टमेटिक फ्लो होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए कि आपकी हाँ प्रॉपर क्लैरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोशल फैक्ट एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशियोलॉजी। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है? नहीं है, बढ़िया। सोशल फैक्ट एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी कैसे लिखेंगे? एक चीज वो ध्यान रखनी है, देखो ये सबको पता है, बिल्कुल मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है, सब लिख के भी आएंगे, लेकिन 5 मार्क्स भी सबके आएंगे अच्छे स्टूडेंट्स के, क्वेश्चन है फिर 7 मार्क्स कैसे आए इस क्वेश्चन में, पता क्या है इसमें फिर एज कैसे लेके आए, ये चीज में फोकस करना है। मैं केवल स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, सोशल फैक्ट एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं व्हाई सोशल फैक्ट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशियोलॉजी। मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन को अपने आंसर में क्या क्या डायमेंशन आपके आने चाहिए, व्हाई सोशल फैक्ट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। इसको मैं काउंटर कर देता हूं, देखिए सोशल फैक्ट वैल्यूज नहीं, सोशल वैल्यूज नहीं, क्या फैक्ट्स, ठीक है, इंडिविजुअल फैक्ट्स नो, साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं, कौन स्टडी करेगा उसको भाई, फैक्ट तो बहुत है ना, सोशल रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, बायोलॉजिकल फैक्ट भी तो है ना कि आप ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, आप डिप्रेशन में है, ट्रॉमा में है, डिप्रेशन क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट इज ए सोशल वैल्यू एंड माइट बी योर इंडिविजुअल वैल्यू। तो एमएल रखाइम बोले भाई नहीं, इन चीजों का हमारा कंसर्न नहीं है, वैल्यू नॉर्मेटिव कंसर्न इज शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी, क्यों, पॉजिटिविज्म। फिर बोले साइकोलॉजिकल फैक्ट, नो नो नो, साइकोलॉजी डिसिप्लिन स्टडी कर लेगा उसको, हमारा कंसर्न नहीं है, वो इंडिविजुअल केसेस को वो देखेगा, यानी कि हमें सोशल रियलिटी को कलेक्टिविटी में स्टडी करना है, दैट इज व्हाई ही चोज द सोशल फैक्ट एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। और सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई ही प्रिसाइजली डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी एक नेसेंट डिसिप्लिन था उस टाइम पे, और किसी न्यू डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, तो ये भी तो उसका इंपॉर्टेंस है ना, कि भाई उन्होंने सिस्टमेटिकली पहले ना सोशियोलॉजी के लिए कार्व आउट किया, आओ इसको स्टडी करते हैं, जैसे कुत्ता क्या करता है, कुत्ता अपने एरिया में ना पूछ मार के बैठता है कि भाई ये एरिया मेरा है, उसमें फिर कुछ करना है, तो एक डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ना अपना यूनिक, उस यूनिक सब्जेक्ट मैटर और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फैक्ट का मतलब यह है कि फैक्ट होने चाहिए, वैल्यू नॉर्मेटिव कंसर्न्स प्रेजुडाइसेस सब्जेक्टिव मीनिंग्स वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सोशियोलॉजी को साइंस एस्टेब्लिश करना है नेचुरल साइंसेस के ही पैटर्न पे, तो हमारा कंसर्न फैक्ट्स का होना चाहिए एंड वैल्यूज फ्री होना चाहिए, तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। और इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्ट हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर व्हाट इज सोशल फैक्ट, व्हाट इज सोशल फैक्ट, यहां पे बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्या लिखिए, प्रिसाइजली डेफिनेशन दीजिए सोशल फैक्ट की, जो आपकी 3-4 लाइन की डेफिनेशन है वो बताइए, फिर उसके बाद साथ में एग्जाम्पल भी लिखिए, उन्होंने कौन सी स्टडी की थी सोशल फैक्ट को, सुसाइड एज ए सोशल फैक्ट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल फैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, आप में से कौन बताएगा भाई, यस डॉक्टर साहब कुछ प्रकाश डाल दो, सर एक तो ये कंस्ट्रेंट डालेगा, मतलब ये उसके साथ रिलेटेड नहीं होगा, अपना इंडिपेंडेंट होगा, बट जो भी सोच रही
कंसेंट करेगा ना, सिंपल बात है। कंसेंट क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स मतलब एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल। और कौन सा नेक्स्ट, कौन सा है? करेक्टरिस्टिक्स, कंस्टेंट, थर्ड जनरलिटी, थर्ड फोर्थ स्वेजुलरस। तो सिंपल चीज़ है, गलती छोटी क्या करते हैं, देखिए एक्सटीरियोरिटी, कंस्टेंट, जर्नैलिटी, स्वेजुनरस। देखिए छोटी छोटी गलती क्या नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ना ये पहले दो हैं, तो सीक्वेंस भी यही रखिए। ये मत कीजिए कि इसको यहां पे लिख दूं, इसको यहां पे लिख दूं। होता ना कि जैसे कहते हैं कि भाई कोई आपका स्केच बना दे, बोलते यार बड़े बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बना दिया, मतलब काफी कॉपी देखे ना, वहीं पे 7 नंबर देना स्टार्ट कर दे। सबसे अच्छी कॉपी वही है देखने का, पर ऐसा किसी का स्टैंडर्ड मिलेगा ना तो उसकी कॉपी को मेरे को 3 से 4 मिनट लगते हैं चेक करने में। जिस कॉपी मेरे को 10 मिनट लगते हैं ना, उसमें सबसे कम नंबर मैं देता हूँ, वहां भी कमी आएंगे। फैसिलिटेट करना यार, उसको पेन मत दो एग्जामिनर को। इतना सिस्टमेटिक अरेंज करो कि सर कुछ मत करो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया अरेंज कर रखा है कंटेंट में, टिक मार्क मारो और बारी नंबर देते चले जाओ साथ साथ। 350 आ जाए, आपको भी मुक्ति मिल जाए, मुझे भी मुक्ति मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद क्या करोगे, इस आंसर में क्या डाल के आओगे? अगर 60 नंबर का भी आ जाए तो भी कैसे लिखना, वो बता रहा हूँ आपको। अरे भाई सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये सब हो गया, अरे स्टडी कैसे करें? ये कौन सी बुक में बताया है उन्होंने? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, यानी कि हाउ टू स्टडी सोशल फैक्ट्स, हाउ टू स्टडी सोशल फैक्ट्स। कौन सी बुक में? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। आगे क्या है अभी, ईयर भी लिखो 1895, खुश हो जाए कि दरखाई में निकल के आ गया बुक से बाहर, ठीक है। और इसमें क्या करें, 1 2 3 4 जो रूल्स हैं आपने सिंपली वो एक्सप्लेन किए। 60 नंबर का है, 10 पेज पे लिखना है तो इन पे एक एक पेज दे दो। 20 मार्कर है, दो दो लाइन लिख दो। 10 मार्कर है, एक एक लाइन लिख दो। 10 मार्कर का 20 मार्कर, 60 मार्कर में यही डिफरेंस होता है, कंटेंट वही होना चाहिए। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। इतने में नंबर दे देगा, ये 6 नंबर तक पहुंच गया है, आगे 7 पे लेके जाइए। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स किसके अकॉर्डिंग? जॉर्ज रिट्जर के अकॉर्डिंग। थिंकर भी लेके आइए, जॉर्ज रिट्जर, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, ठीक है। किसने? खुद एम एल डर्खाइम ने दिया है। एम एल डर्खाइम, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। फिर उसके बाद कंक्लूजन, कोई बढ़िया सी बात कीजिए। देखिए सोशल फैक्ट के आने से एम एल डर्खाइम ने पूरा सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन ही खड़ा कर दिया है। क्यों यह है ना, तो पूरा कंक्लूजन कोई बढ़िया सा, सारा जो भी कहानी बताइए समप कीजिए उसको। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है समप कीजिए, थोड़ी सी उसे फिलोसफिकल हटा के चीजिए कि कैसे एक सब्जेक्ट मैटर लेके आया, कैसे एक उसकी मेथोडोलॉजी दी, तो उसने कैसे एक स्पेस क्रिएट किया। तो सोशियोलॉजी को क्या होना चाहिए भाई, किसी ने, किसी आदमी ने इतना कुछ दे दिया सोशियोलॉजी को, तो सोशियोलॉजी को अपना आभार व्यक्त करना चाहिए उसके लिए। तो कुछ ऐसी बात लिख दीजिए कंक्लूजन में, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा यार कहाँ लेवल पर लेके चला गया चीज को। सोशियोलॉजी शुड बी इंडेप्टेड टू द एमिल डर्खाइम, तभी आप क्लास में बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठे होते, एमिल डर्खाइम नहीं होते तो। मतलब एक रिस्पेक्ट दिखाइए, प्रोफेसर लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, मतलब कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है एमिल डर्खाइम से, मतलब जैसे इसका बाप है ये, ठीक है। मतलब वो होना चाहिए आप में, अच्छा प्रोफेसर इस चीज को देखता है, हाँ यार कैसे देख रहे हो। एक मेरे फ्रेंड थे जेएनयू में, तो प्रोफेसर चिंगर गए थे, उन्होंने मैक्स वेबर पे कुछ बोल दिया था, तो उसको समझ में नहीं आया कि यार ये इतना, मतलब इतना गुस्सा कैसे हो गया एकदम। तो
उस प्रोफेसर का सारा रिसर्च वेबरियन पर्सपेक्टिव पे था, मतलब ही सी टू इट पर्सनली, मतलब पर्सनली लेके बैठ गए कि अरे वेबर पे आप कैसे बोल सकते हो। उन्होंने एंद्रे बैत्य की रिसर्च पे कुछ बोल दिया था, एंद्रे बैत्य ने वेबरियन पर्सपेक्टिव अप्लाई किया था उस पर, उसने बोल दिया सर विलेज स्टडीज जो तंजोर की है उनकी, मतलब उसमें कुछ कमेंट कर दिया था उन्होंने, तो बोले यार सी टू इट वेरी पर्सनली। बाद में पता चला पर्सनली क्यों ले रही है, बाद चला कि यार इनका रिसर्च ही सारा वेबरियन पर्सपेक्टिव पे है, बाहर से ऑक्सफोर्ड वगैरह से कुछ करके आए हैं, तो दे मे टू किट पर्सनली। तो आभार दिखाइए उसको कि ये भी है जो लिखना है वो तो लिखिए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा ना 20 मार्क के 60 मार्क के एक क्वेश्चन से हो जाएगा। इसको सोशियोलॉजी क्या है लिखना आता है तो कॉपी चेक करना, फिर बाकी क्वेश्चन में भी आपको देखिए सब्जेक्टिविटी एग्जामिनर की रहती है, वो कहीं पे भी खुश हो गए कहाँ पे नंबर दे देगा ना, समझ में आ जाएगा। अगर उसको है ना इस लड़के को देना है मुझे नंबर, भाई एक सोशियोलॉजी का कुछ देख रहा था मैं, किसी का मार्क्स 400-500 रैंक था उसका, 3-4 साल पहले की बात है, 358, बाकी में 70-70 नंबर सब में, सब में मतलब सोशियोलॉजी में 358, और रैंक बिल्कुल नीचे था, बिल्कुल नीचे रैंक था, मतलब भाई मैंने तो यही किया है, उसने भाई क्या लिख के आया होगा वो अलग ही केस था। वो नाम से जितना मेरा पता चल रहा था कि नाम से कहाँ था, नाम से वो मतलब महाराष्ट्र का था, मास्टर की में यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ाया जाता है, मतलब एक्सीलेंट मतलब मार्क्स था, क्योंकि मैं मार्क्स को कई बार देखता रहता हूँ, जो आता है ना बाद में पीडीएफ आता है तो सब्जेक्ट कोड लिखाता है, सोशियोलॉजी का 28 कोड है शायद जो मार्क्स देते हैं ना बाद में, 44 ज्योग्राफी का है, तो कोड देख रहा सब्जेक्ट कोड नीचे नीचे आते हैं सोशियोलॉजी में कितना आ रखा है, टॉपर तो अपना वही था 310 उस पर, मत देखा ये 358 का कहाँ से आ गया नीचे, कुछ तो लिखा होगा ना उसमें किसका नहीं। मैथमेटिक्स में भी 376 तक आया है, सोशियोलॉजी इसमें एंथ्रोपी भी शायद कुछ आया है 3 कुछ इसमें, मतलब वो एक्सेप्शन होते हैं, मतलब एक्सेप्शन नहीं, मतलब तुम्हारा अगर डिसेंट है ना तो नंबर आएगा फिर थोड़ा, वो तो देख यार वो एग्जाम की ना मेहरबानी पे भी है, और तूने कुछ इतना बढ़िया लिख दिया किसी उस पर, ले भाई होता ना कि यार इस लड़के को तो मैं उठाता हूँ, ऐसे इंटरव्यू में भी होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि मान लीजिए आपके एवरेज मतलब कुछ बात उसको लगी, मतलब चेयरमैन को कि ही डजर्व्स द पर्सन, होता है ना कि इसको हो यहाँ होना चाहिए, इसको हाँ होना चाहिए, तो इंटरव्यू में 212 नंबर देता है, 200+12 का नंबर का मतलब ये है कि बेटा अगर तेरा मेंस में कुछ गड़बड़ हो गया ना, डोंट वरी फॉर दैट, आई विल कंपनसेट इन द इंटरव्यू इटसेल्फ, पर्सनैलिटी यू लाइक यू डिजर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जरूरत है। तो जो चेयरमैन वगैरह किसी के 200+ नंबर देता है वो उसको इस बात के लिए देता है कि पर्सनैलिटी आपकी डिजर्व करती है, आप जैसे लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, वो अलग बात आप ऐसे अच्छा नहीं लिख पाए होंगे, ऑप्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं हम कर देते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका सोशियोलॉजी में 325 आया है, उनको इंटरव्यू में 310 नंबर मिला है, तो उनके लिए उनकी क्या होती है कि बेटा तेरे जैसा लोग नहीं होना चाहिए, बस किसी को भी झेल लेंगे तुम्हें नहीं झेल सकते हम, तो बात सब्जेक्टिविटी की नहीं, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। उनका 2 बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार वही नंबर। आप भी किसी से बात करके देखें यार इस आदमी से बात करने में मजा नहीं है, सुन नहीं रहा है हमारी, गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो सारी पर्सनैलिटी में ये चीज है, तो केवल सवाल जवाब देने का आंसर थोड़ी है पर्सनैलिटी टेस्ट, तो उसका वही नंबर मिला, तो वहां पे भी कितना स्कोर कीजिए दोनों का अलग है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसे डील कर लेंगे, बिल्कुल आइडियल केस बता रहा हूँ कि एक परफेक्ट आंसर में आपकी क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है अगला क्वेश्चन भी इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस था आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी फोकस है, मैंने उसी के बेसिस पे बनाया है इसका। सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, यस डॉक्टर साहब कुछ प्रकाश डाल दो। सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कैसे लिखें सोशियोलॉजिकल, शिवा सो गए नहीं, अरे नींद से बाहर आओ भाई, डालो कुछ प्रकाश इस पे, बैटरी है ऐसे टॉर्च टॉर्च मारना है,
ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, चलो कमोडिफिकेशन तो आपका देख लेंगे, सोशियोलॉजी की टर्म्स यूज कर रहे हो कार्ल मार्क्स की, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सोशियोलॉजिकल क्यों बोलता हूँ, सोशियोलॉजिकल क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आप डाटा फैक्ट को यूज करेंगे। सोशियोलॉजिकल इज एन एम्पिरिकल साइंस, इनइक्वलिटी तो क्रिएट करेगा, और सिंप्लीफाई कीजिए। सोशियोलॉजिकल देखिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बताना है आपको सोर्स कैश डाटा का, किसको कोट करते हैं भाई, एनएफएस थोड़ी करता, कुछ भी थोड़ी बना दे रहा है, ना ना ना, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमी सर्वे ने भी वर्ल्ड बैंक से ही ले रखा है। ठीक है, देखिए मैं ये क्यों बोलता हूं, ध्यान से सुनिए इसको, सोशियोलॉजिकल इंपिरिकल साइंस है, तो डाटा की रिलायबिलिटी, डाटा की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, केवल उसका नमक मार्क्स नहीं है, वो कितना है उस फैक्ट की वैल्यू है, उस फैक्ट के लिए आपने क्या सोर्स उठाया है उसकी वैल्यू है, और वर्ल्ड बैंक का डाटा है तो रिलायबल डाटा तो है ना। तो ये सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव है लिखने का, कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, हाई है, फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, कितने मिलियंस पीपल पॉवर्टी में ट्रैप करते हैं, 2.8 मिलियन का था डाटा, कहीं पे 2.2 मिलियन का डाटा है। टू पॉइंट टू मिलियन पीपल क्या करे जाते हैं, किसमें ट्रैप हो जाते हैं, पॉवर्टी में। अब देखिए सुनिए, इतना जीएस जी, ये हालांकि ये भी सोशियोलॉजी है, क्योंकि पॉवर्टी का टर्म्स आ गया, डाटा का वैलिडिटी आ गया, सोशियोलॉजिकल है। अब थोड़ा सा एक लाइन में अब सोशियोलॉजिकल लेके आइए, कैसा वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी एज ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। तो आपको नहीं लगता कि वो साइकिल में पॉवर्टी से बाहर निकले, घर में किसी को डेंगू हुआ, हॉस्पिटल में गए, फिर पॉवर्टी में, दे गो ट्रैप्ड इनटू द वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, दे गोट ट्रैप्ड इनटू द कुछ। मेरा स्टूडेंट ऐसे लिखता है, मुझे अच्छा लगता है उनका भी, ये भी आप तरीका ट्राई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का ना, सोशियोलॉजी चाहिए ना उसको, विशेष साइकिलो सोर्ट आपका सोशियोलॉजी का टर्म है, क्यों घुसा रहे हो, होता ना एक पुरानी उदाहरण से, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने दो भाई। जो सिंपल एक चीज पे आ गए हम, वीसी साइकिल आपकी हेरलम बोस बुक में दे रखा है, पॉवर्टी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है, वीसी साइकिल बता दिया आपने, आपने डाटा बता दिया, आपने रिलायबल डाटा दे दिया आपने, और इससे ज्यादा क्या सोशियोलॉजी लेके आओगे। पैराट्रूपिंग वर्ड नहीं घुसाना है, फिर उससे बचना है, और जो नहीं घुसा सकता उसको बोलता हूँ मैं जीएस की तरह लिख के आओ, नंबर आ जाएंगे आपको, उसको पढ़ने में सही लगना चाहिए, लॉजिकल लगना चाहिए, सिंपल लगना चाहिए, उसके नंबर मिलेंगे, रादर देन जबरदस्ती पैराट्रूपिंग वर्ड कर रहे हो, एलिनेशन घुसा दो फिर, तो इसमें कुछ भी थोड़ी घुसा देंगे आप उसमें। तो गाना कभी भी ऐसा कुछ घुसाने की बात आए ना, तो गाना याद कीजिएगा, प्यार को कोई नाम ना दो, तो जबरदस्ती या कोई नाम मत दे इसको। ठीक है, पास्ट का क्या मेडल, जो है वही रहने दो भाई, प्राइवेटाइजेशन है, अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसकी वजह से पूरी टीम में ट्रैप हो रहे हैं, वो उस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो हो तो गया, और क्या लिखोगे इससे ज्यादा, और लिखने के लिए कम है क्या इस पे, और कुछ नया डायमेंशन बताइए। व्हाट कार्पोरेटाइजेशन, इन्होंने अच्छा यूज किया, अभिनव यूज किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यूज की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्या राइट टू हेल्थ होना चाहिए ना, स्टेट की क्या है ड्यूटी नहीं है क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिटीजनशिप आपका कौन सा, जहाँ पे राइट की कॉन्सेप्ट आती है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्टेट का
सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप सोशल क्वांटिटी थ्योरी को यूज नहीं कर सकते हैं क्या इसमें? सोशियोलॉजिकली लिखना तो आपको कम है क्या कंटेंट लिखने के लिए? जो आप वायत का कंटेंट लिखेंगे उस पर थ्योरी, तो इसमें पब्लिक चॉइस थ्योरी भी यूज हो जाएगी, लेकिन उसको मैं जबरदस्ती यूज नहीं करवाना चाह रहा हूँ। थ्योरी पब्लिक चॉइस भी हो जाएगी। पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या कहती है? इंडिविजुअल्स के ऑटोनोमस इंडिविजुअल्स हैं, उनको दे शुड पे फॉर देयर हेल्थ, लेकिन उसको जबरदस्ती उसको उस लेवल पे मत लेके जाइए। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि थ्योरी तो पब्लिक चॉइस थ्योरी सोशियोलॉजी में आती है, एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में पब्लिक चॉइस थ्योरी आती है, जो यानी कि जो न्यू लिबरल पैराडाइम है ना मार्केटाइजेशन का, उसके लिए कोई ना कोई लेजिटिमेसी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स को अपने के लिए पे करना चाहिए, लेकिन नहीं मत लिखिए उसको। मैं फिर बोल रहा हूँ, है सोशियोलॉजिकल थ्योरी सब कुछ है, मैं पढ़ाने में भी अच्छी लगेगी आपको, अरे सर ने नया बता दिया कुछ, सिंपली रहने दीजिए, उसी में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अमृत सेन का पर्सपेक्टिव यूज कीजिए। अमृत सेन नहीं बोला है किसमें होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, तो हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उसका। फिर फैक्ट यूज कीजिए, फैक्ट कौन सी है, स्टेट कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है हेल्थ का। फिर इसमें एमएस गोरे कमेटी की रिकमेंडेशन है आपकी, एमएस गोरे कमेटी रिकमेंडेशन 1946 की कमेटी थी आपकी, तो क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5। सोशियोलॉजी क्या है, मैंने ऊपर बताया कि क्या है, इंपीरिकल साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है, कंपेरेटिव साइंस है। तो आप ये दिखाइए ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कैसे स्टेट पब्लिक हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए पब्लिक गुड और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जीडीपी का कितना खर्च करते हैं और यूनिवर्सल हेल्थ केयर है वहां पे और इंडिया में नहीं है। तो ये क्या है, कंपेरेटिव एनालिसिस है आपका ये। फिर प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या क्या चैलेंजेस हो रखे हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस नहीं है क्या, वो लिख के आइए उसमें। तो कंपेरेटिव हो गया, इंपीरिकल हो गया, पॉलिसी रिकमेंडेशंस होगी आपकी, ओके, पूरा टिक आपका सोशल डायमेंशंस हो गया, रेगुलेटरी चैलेंजेस हो गए आपके, इकोनॉमिक सर्वे ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो लिखिए, एमएस गोरी लिखिए, फिर इकोनॉमिक सर्वे, सोशल सर्वेज मेथड आता ना आपका, तो वहां पे 1 2 3 4 ध्यान दीजिए इसका नंबर क्यों मिलेगा। अभी तक 4 क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहा था, सोशियोलॉजी, जैसे उसको नए पेज पे एक नया कंटेंट मिलेगा, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो नंबर दे देगा वहीं पे। अरे वाह क्या स्टूडेंट है, अब तो सोशल फैक्ट बता रहा था मुझे, एमिल डर्खाइम पे अपना आभार वो दिखा रहा था कि अरे क्या एमिल डर्खाइम है, जैसे अगले पेज पे जाएगा वो कुछ नया ही आ गया, ये तो वहीं पे नंबर मिलेंगे आपको। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर में जबरदस्ती एलिनेशन को ट्रूप नहीं करना है, जो है क्यों भाई कौन सा गाना ध्यान रखना इसको। तो ये है ना आपकी ट्रम आत होगी, आपको जरूरी थोड़ी कि हर एक लाइन में ही आपको घुसाना है, आत होगी ट्रम, आ गया भाई सोशियोलॉजिकल है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, ये अप्रोच है, नंबर आए हैं और जिन्होंने ट्रस्ट किया उसके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड का ए, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाइल गिविंग रेफरेंस टू वेस्टर्न एंड इंडियन कंटेक्स्ट। कौन बताएगा भाई इसको, डॉक्टर साहब? बारबरी क्या प्रिमिटिव है और इसलिए आउटर जाके उन्होंने स्टडी किया, बट जो सोशियोलॉजी है वो इनसाइड ही स्टडी किया, उन्होंने अपनी सोसाइटीज प्रेफर की है। वो एंड्रे बेटे और एम एन श्रीनिवास का वो कंपैरिजन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कि एम एन श्रीनिवास ने खुद का ही, देखो क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, उसमें फिर ब्रेकअप किया, सोशियोलॉजी और
सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें भी क्या डिस्कस किया, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी किसमें, वेस्ट में कैसे आई, फिर इंडिया में कैसे राइज हुआ। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केवल स्ट्रक्चर दे दूं आंसर का, दोनों डिसिप्लिन्स की डेफिनेशन दे दीजिए कि सोशियोलॉजी किसको स्टडी करता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी किसको स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, ओके। एंथ्रोपोलॉजी आपका क्या है, एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब मैनकाइंड क्या क्या हो सकता है, अरे उसके भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, उसका बायोलॉजी का जो मेकअप है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी है, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में भी क्या है, देखिए ये पहली आपकी डेफिनेशन है, मैनकाइंड के सारे एस्पेक्ट, मैन की बायोलॉजी भी है, मैन की लिंग्विस्टिक्स भी है, मैन की कल्चर भी है। तो जो सोशियो कल्चर एस्पेक्ट को स्टडी करता है वो कौन सी ब्रांच है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कितनी ब्रांच होगी आपकी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी का किसके साथ कोरिलेशन है, ट्विन सिस्टर किसकी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, फिजिकल नहीं पढ़ रहे हम, उसका मेडिकल साइंस के साथ है, यानी कि मैनकाइंड का होलिस्टिक स्टडी फिजिकल, लिंग्विस्टिक और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, इतना लिख दिया आपने। फिर आपने डेफिनेशन दूसरी बोल दी, दूसरी डेफिनेशन आप सबके पास है, क्या है, होलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है। होलिस्टिक अगेन फिर लिख दीजिए, होलिस्टिक एंड सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज, इतना सब लिखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए, दैट इज उसकी कल्चर का होलिस्टिक स्टडी, क्यों, क्योंकि सिंपल सोसाइटी का सिंपल सोशल स्ट्रक्चर होता है, उनका वही प्रिस्ट है, वही उनके लिए डॉक्टर है, वही उनके लिए टीचर है। सिंपल एग्जांपल दो, नियामगिरी हिल्स डोंगरिया कोंद के लिए सब कुछ है, वही उनके लिए लिवलीहुड है, वही उनके लिए सेक्रेड है। यानी कि सिंपल सोसाइटीज को में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, तो उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किनसिप रिलीजन कल्चर बिलीव सबको आपको होलिस्टिकली देखना होता है, ठीक है। यानी कि उनका वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ की होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवनेस उस तरीके से। तो कभी भी कोई ये नहीं बोलता, जैसे एमिल डर्खाइम क्या बोलते हैं भाई, हमें रिलीजन को स्टडी करते हैं, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करते हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं। एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड होता है, सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, केवल एक एक्सपर्ट को स्टडी करते हैं। मान लीजिए आईपी देसाई इंडियन सोसाइटी में स्टडी करती है तो किनशिप सिस्टम को स्टडी करती हैं, ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, होलिस्टिकली उसका सब एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वो इन टोटेलिटी स्टडी होती है वो सोसाइटी। गॉट इट, इन टोटेलिटी स्टडी होती है। सोशियोलॉजी को लिख लेंगे, सोशियोलॉजी का बताने की जरूरत नहीं है, इसी का काउंटर मार दीजिएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी सिस्टमेटिक वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों डिसिप्लिन का ओरिजिन बताइए, ओरिजिन, ओरिजिन का क्या कंटेक्स्ट है, ओरिजिन का अगर एंथ्रोपोलॉजी का आपको बताऊं, सोशियोलॉजी आपको पता ही है, अभी डिस्कस किया था मैंने, गॉट इट। एंथ्रोपोलॉजी का दो तीन कंटेक्स्ट थे, पहला कंटेक्स्ट क्या था, यूरोप जब रेनेसा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ से मूव कर रहा था, वो सोसाइटी एडवांस बन चुकी थी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उधर से डार्विन वगैरह की थ्योरी आ रही है, भी ह्यूमन, अब अदर वर्ल्डली वैल्यू ओरिएंटेशन से दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन हो गया है, यानी कि अब हमें ह्यूमन को स्टडी करना है, अब ह्यूमन को स्टडी करना है तो ह्यूमन काइंड के पास्ट को भी स्टडी करना पड़ेगा। अब पास्ट देखने के लिए जाएगा क्यों,
खुद की सोसाइटी तो इंडस्ट्रियलाइज एडवांस हो गई है। तो पास्ट देखने के लिए यूरोप में क्या हुआ, उनको बाहर जाना पड़ा। बाहर कहां पे? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, क्योंकि वहीं पे सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज या लोग बचे हुए थे। तो कोई शिप में बैठ के घूम गया, कोई कहीं पे घूमा, अब कहां जाए इंडिया में? तो सिंपल बात है, वो कहां से आए? क्योंकि उसी टाइम पे जो कॉलोनीज यूके का था आपका, कॉलोनियल पावर्स भी थे। तो यानी कि वो अपनी सोसाइटीज का एक तरीके से पास्ट स्टडी करना चाहते थे, स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट किस तरीके से, पास्ट ह्यूमन काइंड किस तरीके से, उनकी कल्चर किस तरीके से इवोल्व होके आई है, ऑफ ह्यूमन, उसके कल्चर एस्पेक्ट को किस तरीके से एमर्जर क्या है। तो कहां पे जाएंगे उन्होंने, गॉट इट? यानी कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, तो सारा सारा फील्ड वर्क कहां पे हो रखा है, यही तो हो रखा है, एशियन सोसाइटीज, एशियन प्रिमिटिव सोसाइटी। आपको यहां से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, क्या है सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डिबेट। शायद इंद्र बेत्ते ने किसी ने कमेंट कर रखा है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है, सिंपल किसी ने हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा था उसका, पता क्या लिख रखा था भाई, कुछ नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी को आप कपड़े पहना दीजिए वो सोशियोलॉजी बन जाएगी, सोशियोलॉजी के कपड़े उतार दीजिए वो एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगी। कपड़े लगते आप मॉडर्न एडवांस बन गए, आप बन गए सोशियोलॉजी, कपड़े उतार दो प्रिमिटिव हो गए, ठीक है। और दूसरा एक और सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या बनना है, आप दूसरे की सोसाइटी को स्टडी करने के लिए चले जाओ, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, सोशियोलॉजिस्ट अपनी को स्टडी करते हैं, सीधी सी बात। यानी कि जो यूके में यूएसए में बैठ के जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, अगर वो इंडिया में आएगा तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाएगा वो। तो जितने भी आप बाहर की जो स्टडीज है वो सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। यानी कि सिंपल चीज क्या थी, यहां पे पहली डिबेट क्या निकल गई, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, क्योंकि सारे के सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपके कहां थे, यूरोप में थे, और स्टडी किसको कर रहे थे, नॉन यूरोपियन सोसाइटीज को बोल रहे थे। तो उनमें क्या थी, कल्चरल बायस थी। ध्यान से देखिए, एलएच मॉर्गन क्या बोलते हैं, एलएच मॉर्गन क्या बोलते हैं सोसाइटी की स्टडीज के बारे में, सोसाइटी कैसे चेंज होगी, बोले सेवेजरी, बार्बरी एंड सिविलाइजेशन, मतलब अपने आप को सिविलाइज बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म को भी तो सपोर्ट कर रहे थे ना उनके रिसर्च वर्क, वी आर ऑन द सिविलाइजिंग मिशन। तो वही थ्योरीज थी, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, ये एलएच मॉर्गन का है आपका। और जो टाइलर फ्रेजर थे उनकी थ्योरी में क्या था, एथनोसेंट्रिक एंड जेनोसेंट्रिक बायस। एथनोसेंट्रिक, देख अपनी सोसाइटी को क्या बोला उन्होंने, सुपीरियर, दूसरे को क्या बोला उन्होंने, सिंपल है, प्रिमिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज, इलिटरेट, जितने भी वर्ड यूज करते थे, बैकवर्ड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डिसिप्लिन था उनका, टाइलर फ्रेजर, एथनोसेंट्रिक बायस, इसको किसने दूर किया, कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अपने लिख रखा है उसमें, क्या नाम है, अमिनो बोस, फ्रांस बोस, उन्होंने दूर किया, फिर मलिनोस्की ने भी उसको लगाया, फ्रांस बोस, मलिनोस्की, ये इतने थिंकर उनके लिए हैं, जो लड़के ये करते हैं सर, उन्होंने 50-50 थिंकर लिख रखे हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। तो एग्जामिनर की जो वो इच्छा है और अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन, वो भी कर लो, अभी थिंकर ही थिंकर, बोलिए कितने लिखेंगे। अब ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट आप सोशियोलॉजी का बता देंगे, यूरोप में मॉडर्निटी आई और मॉडर्न सोसाइटी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स, उससे इनका कॉन्टेक्स्ट आपका ये था। यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉलोनिज्म के लिए भी जस्टिफिकेशन था। कॉलोनिज्म में आपको क्या करना है, रूल करना है, रूल करना, तो पहले उनके बारे में पता होना चाहिए, पता होने के लिए रिसर्च है। तो आपके स्टार्टिंग में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वर्क कर रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कर रहे थे, जो ब्रिटिश में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। मैंने इसी के बेसिस पे ना क्वेश्चन फ्रेम किया था, वो क्वेश्चन से लास्ट ईयर भी फ्रेम किया था, लोग आंसर कर नहीं पाए उसमें। वो क्वेश्चन मेरा क्या था, ध्यान से समझिएगा, मैं इसके सेंस से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये था, जैसे आपका सिलेबस में सेकंड में एक टॉपिक है कॉलोनियल पॉलिसीज टुवार्ड्स द ट्राइब्स, क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल अजम्पशंस
बिहाइंड द कॉलोनियल पॉलिसी टुवर्ड्स ट्राइब्स, और क्या आइडियाज थे जो उनको गवर्न कर रहे थे, तो यही आइडिया थे। वो सिविलाइजिंग मिशन पे हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज को 1833 का एक्ट है उसने क्या किया, अलाउ किया कीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट में तो उनकी कल्चर कुछ बचा ही ना, सारा क्रिश्चियन हो रखा है। तो यानी कि इन एंथ्रोपोलॉजी के आइडिया से कैसे वो गवर्न हो रहे थे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट बन गया। फिर अब इवोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए देखिए, सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी, अरे वो सिंपल प्रिमिटिव रहेंगे क्या, चेंज आएगा सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटीज यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वो दैट इज आल्सो अंडरगोइंग द चेंज, वो भी तो चेंज हो रहा है। सेकंड, अब तक क्या कर रहे थे, क्योंकि वो सिंपल इलिटरेट सोसाइटीज थी और वो इलिटरेट लोग थे वो स्टडी कर रहे थे। अब नागाज को स्टडी करना, तो नागा भी तो पढ़े लिखे आज, आज वो अपनी सोसाइटी को वो स्टडी नहीं कर सकते क्या, तो क्या हुआ, चेंज हुआ। नेक्स्ट चेंज क्या हुआ, इसकी अप्रोच भी चेंज हुआ। अप्रोच में चेंज क्या हुआ, ये जो बायस थी ये दूर हो गई, कल्चर रिलेटिविज्म की आया है उसमें, सोसाइटीज भी चेंज हो गई। सोसाइटी चेंज होने के साथ साथ क्या होगा, यानी कि अब कहाँ बढ़ रहे हैं हम, सिंपल सोसाइटी थोड़ी रह गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट उन पर ही पड़ रहा है, वो भी चेंज हो रही है, तो वो उसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब वो अपनी सोसाइटीज को अपने आप भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी चीज़ डायनेमिक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट, मेथोडोलॉजी का, कि कैसे स्टडी करें आपको। देखिए, अब मेथोडोलॉजी का आधा पॉइंट आपका हो चुका है। जब मैं ये कह रहा हूँ भी होलिस्टिकली स्टडी करना है, इन टोटलिटी स्टडी करना है, तो आपके मेथड भी होने चाहिए ना, क्वालिटेटिव मेथड्स होने चाहिए। और क्वालिटेटिव मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और किसने अप्लाई किया है वो, मलिनोस्की, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल, तो सबसे क्लासिकल जरूर है ट्रोबरियन आइलैंडर्स की, मलिनोस्की की स्टडी है, मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्यों है, देखिए मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, मेथोडोलॉजी का मतलब केवल मेथड्स नहीं होते हैं, मेथोडोलॉजी का मतलब वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो मेथड्स, उनका होलिस्टिक स्टडी है, कि वो मेथड जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, क्या रूल्स प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको इस मेथड को फॉलो करना है, दैट इज मेथोडोलॉजी। और ये आपका क्वेश्चन भी आया था आपके पास, ओके। तो मेथोडोलॉजी मतलब हम मेथड ये यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो मैंने ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। होलिस्टिकली देखना आपको, इन टोटलिटी स्टडी करना, यू हैव टू यूज दैट मेथड। तो क्या सोशियोलॉजी कौन से मेथड को प्रेफर करता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी कि क्वेश्चनियर सर्वेयर को, सोशल सर्वेज इन मेथड को प्रेफर करता है। फिर क्या, लिसन अगेन, क्या सोशियोलॉजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज नहीं करता है, क्या सोशियोलॉजी आल्सो डू यूज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो कौन सी स्टडी आएगी, विलियम व्हाइटफुट की स्टडी है, उन्होंने किया है ना स्ट्रीट कॉर्नर्स की स्टडी, वो लिखिए, सोशियोलॉजिस्ट ने भी तो यूज किया है, ऐसा थोड़ी है उसमें, तो कोई डिस्टिंगशन ऐसा थोड़ी है, कोई भी कंपार्टमेंटलाइज्ड डिस्टिंगशन है वो नहीं है, उसने भी यूज किया है, विलियम व्हाइट फुट। एक गलती और मत कीजिएगा, पूरा नाम लिखिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और तुम्हें विलियम व्हाइट ने फुट लिख दिया, फुट का ई नहीं है, समझ रहे हो, लग रहा पता नहीं क्या लिख रहे हो, स्ट्रीट कॉर्नर स्टडी, इसमें भी यूज किया उन्होंने, फिर अगेन डिबेट। तो दोनों के इस मेथड का यूज करने का क्या क्या लिमिटेशन है, फिर लिमिटेशन ये है, अगर आप उसको सोशियोलॉजी में यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को किसी ग्रुप को स्टडी करने में आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो लिटरेट है, उसको पता है कि आपका इंटेंशन क्या है, तो अपने बिहेवियर को मोल्ड कर देगा, क्योंकि लिटरेट सोसाइटी है। सेकंड, उसको यही पता कि कल नहीं ये रिसर्च पब्लिश करेंगे, पैसे कमाएंगे, या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, तो उसमें लिमिटेशंस भी है, तो उस डिबेट को भी लेके आइए, यानी कि करते हैं लेकिन लिमिटेशंस हैं, प्राइमरीली वो भी करते हैं, तो कोई इस डिबेट को सारी को लेके आ जाइए। फिर नेक्स्ट, ये तो वेस्ट का हो गया भाई, मैंने क्या लिख रखा है, इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में सारी विलेज स्टडीज आपकी क्या हैं,
यानी कि दोनों का एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर भी देखेंगे, इंडियन सोसाइटी का ना तो ट्रेडिशनल ना वो मॉडर्न सोसाइटी है। तो आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, सोशियोलॉजी का उठा इसका उठा के देख लीजिएगा, वही विलेज स्टडीज़ के टॉपिक यहीं पे है, वही यहाँ पे है। एम एन श्रीनिवासन को यहाँ भी पढ़ाया जाता है, वहीं पढ़ाया जाता है, वही विलेज स्टडीज़ यहाँ पे है वहाँ पे है। तो पेपर टू बोलते हैं ना कि सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एक ही है, वो सब्जेक्ट मैटर ही है कि, तो नया कहाँ से लाएंगे, कास्ट सिस्टम को वो भी स्टडी करते हैं, हम भी स्टडी करते हैं, तो सोसाइटी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है। ओके तो इंडिया में सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट में शायद डिफरेंस ही नहीं हो। हाँ वेस्ट का वहाँ का वेस्ट का एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेस्ट का सोशियोलॉजिस्ट भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाएगा यहाँ पे तो। ओके तो विलेज स्टडी जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के मेथड को कहाँ पे यूज किया है, किसने यूज किया है, एंद्रे बेत्ते ने भी यूज किया है, बाकी स्टडीज में भी ये मेथड को का यूज हुआ है। यानी कि दोनों डिसिप्लिन किस तरीके से कन्वर्ज कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये लिखिए। फिर लिख के आइए कंटेम्प्रेरी। भाई एंथ्रोपोलॉजी आज क्या स्टडी कर रही है, एंथ्रोपोलॉजी एथनिक मूवमेंट्स को स्टडी कर रही है, नेशन स्टेट को स्टडी कर रही है। यानी कि जो ट्रेडिशनली हम ये मानते थे कि ये सब्जेक्ट मैटर तो सोशियोलॉजी का होना चाहिए, उसका एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर रही है। तो यानी कि आज का टाइम क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी टाइम है। ओके और दोनों डिसिप्लिन में कन्वर्जिंग पॉइंट क्या है, जेंडर सेंट्रिक अप्रोच। यानी कि सोशियोलॉजी को भी जो सोसाइटी को देखने का आज फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जेंडर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव नया एमर्ज करके आ रहा है, और एंथ्रोपोलॉजी में भी मान लीजिए ट्राइबल पे स्टडी किए हैं आपने, ह्यूमन काइंड की स्टडी किए, वुमेन की पर्सपेक्टिव कौन स्टडी करेगा, अब उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अलग ही चीज दिखेगी। तो ये बेसिकली आपकी कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आंसर लिख के आ सकते हैं। तो अगर 60 मार्कर भी आ जाए आपका तो सफिशियंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यस हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, हम कुछ मंगाए घोड़ा वगैरह, कुछ घोड़ा बैलगाड़ी कुछ सीए, हाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्पीडली डिस्कस करूं कि थोड़ा ऐसे ही डिस्कस करूं, ऐसे डिस्कशन तो सुबह तक चलेगा ये। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट होल्ड टुगेदर प्रिमिटिव एंड मॉडर्न सोसाइटीज, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था लिखने के लिए, कंटेंट के लिए सबसे इजी था। What are the factors that hold together primitive and modern societies? That hold together primitive and modern societies. बताओ भाई क्या क्या फैक्टर हैं जो होल्ड करते हैं दोनों सोसाइटीज को, डिवीजन ऑफ लेबर की रेफरेंस से बताना, इसलिए मैंने दे भी रखा था नीचे डिवीजन ऑफ लेबर। एमिल डर्खाइम, चल आकाश क्या होल्ड करता है, मैकेनिकल सोसाइटी तो कभी थी नहीं, प्रिमिटिव थी, मैकेनिकल सोसाइटी थी, दोनों में घुसा दोगे ना मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका। तो मैंने कौन सा गाना बताया था अभी, प्यार को प्यार ही रहने दो, नाम मत दो,
अपने आप सोशियोलॉजिस्ट मत बन जाओ। प्रिमिटिव सोसाइटी का सोसाइटी ले लिया, मैकेनिकल सोसाइटी का मैकेनिकल ले लिया, प्रिमिटिव की सोसाइटी बता दी, मैकेनिकल की सोसाइटी बता दी। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, हमेशा कंटेक्स्ट पे हिट मारना है। कंटेंट आपका वही है जो आप लिख रहे हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर पे भी मैं 50 से 60 क्वेश्चन बना सकता हूँ कि हर में वे लिखने का चेंज हो जाएगा। तो आपको इसमें फोकस करना है इस चीज पे, ठीक है। अगर मैं आपको ब्रॉड डायमेंशन देता हूँ, बाकी आप आर्टिकुलेशन कर लेंगे उसमें। अब ये बताओ, द होल्ड ऑफ द कलेक्टिव कॉन्सेंस, होल्ड ऑफ द कलेक्टिव कॉन्सेंस। अब कलेक्टिव कॉन्सेंस क्या है आपका, क्या भाई कलेक्टिव कॉन्सेंस पे अगर क्वेश्चन आ जाए 20 मार्कर, तो क्या लिख के आओगे? कुछ भी, जनाब नशे से बाहर आओ। सिंपल, पता क्या दिक्कत क्या हो रखी है, दिक्कत ये हो रखी है ना कि सोशियोलॉजी से बाहर हटके भी नहीं सोच रहे हैं कुछ। शेयर्ड बिलीफ्स एंड मोरलिटी, ठीक है, एथिक्स पढ़ते हो ना, उसमें क्या है, शेयर्ड बिलीफ्स एंड मोरलिटी। जो है वही रहने दो, कॉन्सेप्ट को मत चेंज करो उसमें। देखिए शेयर्ड बिलीफ्स एंड मोरलिटी, अगर एक प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्सेंस का होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज द फैक्टर दैट होल्ड टुगेदर। हमेशा कंटेक्स्ट पे लेके आइए, और जो क्वेश्चन के कीवर्ड है वो आंसर में आने दीजिए, नहीं तो क्या लगेगा, कंटेंट पढ़ा था वो लिख दिया। तो सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी में जो सोलिडरिटी होती है वो किसके बेस पे होती है, कलेक्टिव कॉन्सेंस होती है। अगर उसको उस कलेक्टिव कॉन्सेंस को कोई वायलेट करता है तो उसके लिए क्या बना रखे हैं, रिप्रेसिव लॉज, रिप्रेसिव लॉज। अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कहाँ पे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर नया क्या लिख के आएंगे इसमें, नहीं आपकी केस स्टडीज बनेंगी, जो एमिल डर्खाइम ने बोल दिया उसको मत छेड़ना। तो एग्जांपल पहला पेपर है तो आपकी ग्लोबल केस स्टडी भी देखिए, तालिबान क्या एनफोर्स कर रहा है, शरीयत ला क्या, जबरदस्ती से कलेक्टिव कॉन्सेंस को एनफोर्स कर रहा है लोगों पे, तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी क्या है, हार्श पनिशमेंट्स है अगर उनका कोई ब्रेक करता है तो। रिप्रेसिव लॉज पनिशमेंट कैसी है, हार्श पनिशमेंट्स अगर कोई इसको ब्रेक करता है तो। एग्जांपल जैसे तालिबान का, या आप तालिबान सोचिए, या जिस सोसाइटी, ये जो आपकी मिडिल ईस्ट की जितनी भी सोसाइटी जिनमें क्या है, सऊदी अरबिया चले जाइए, यही है, उसी तरीके के आपके लॉज हैं, उसी तरीके का पनिशमेंट है। ओके, तालिबान एनफोर्सिंग शरीयत ला, या फिर इंडिया का एक एग्जांपल दीजिए, कौन है, जैसे खाप पंचायत क्या करती है, ओनर किलिंग करती है, वो क्या करती है कि ताकि आगे कोई कोशिश ना करे ये काम करने का, यही तो ऑब्जेक्टिव है। इन अ वे कलेक्टिव कॉन्सेंस रिजुवेनेट्स, क्या आप कोई करके दिखाइए आप। खा पंचायत ओनर किलिंग्स, तो इन एग्जांपल्स के साथ जस्टिफाई कीजिए ना कि इस तरीके से ये सोसाइटी क्या रहती है, कैसे रहती है। फिर किनशिप के रिलेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे किनशिप रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है उस सोसाइटीज को होल्ड करने में, किनशिप का होल्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है आपका। किनशिप रिलेशंस होल्ड करते हैं, अथॉरिटी कैसी होती है यहां पे, ऑथोरिटेरियन अथॉरिटी होती है वहां पे, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। ऑथोरिटेरियन फिर इसमें क्या बोलते हैं, मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन ऑफ पार्ट्स, जिस तरीके से आप क्या करते हैं, जैसे ये सोसाइटी देखिए, ये जैसे पेंस है, मैंने अगर 3 पेंस लिए हैं तो ये अगर इनको इस तरीके से होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन ऑफ द पार्ट्स, यानी कि सिमिलर पार्ट्स को आप इस तरीके से होल्ड करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूँ, ये पेन है,
मान लीजिए ये पेन है, ये ऑर्गेनिक सोलिडरिटी में कैसे है, सिस्टमेटिकली एक दूसरे से पार्ट इसके क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे पार्ट की दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में होती है। जैसे आपको, आप अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एक हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है, अपनी एजुकेशन के लिए मुझ पर डिपेंडेंट है, चाय पीने के लिए आप इन पे डिपेंडेंट है, जूस पीने के लिए आप दूसरे डिपेंडेंट है, दूसरी चीज के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा थिएटर पे हैं, ओल्ड एज पेंशन के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है। यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे पार्ट्स पे, दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट है। यहाँ सोलिडिटी उसकी वजह से है। यहाँ पे मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन ऑफ पार्ट्स, किस तरीके से पार्ट को होल्ड टुगेदर करना है, तो ये सोलिडिटी है। ये क्या है, मैकेनिकल सोलिडिटी है। तो आप इन पार्ट्स को देखते कि देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में फर्क क्या है। मैंने थ्रू आउट द लाइन ऑफ थॉट इस वर्ड से मिस नहीं होना है। व्हाट होल्ड टुगेदर, व्हाट होल्ड टुगेदर, व्हाट होल्ड टुगेदर। तो रिलीजन भी क्या करता है, होल्ड करता है, क्योंकि जो कॉन्शियस कलेक्टिव है उसका जो कंटेंट है वो क्या है, दैट इज रिलीजियस इन नेचर। अब जो शेयर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरलिटी भी है आपके, वो भी क्या है, रिलीजियस कंटेंट है उनका। ओके okay? कोई डाउट है यहाँ पे? अब देखिए, फिर ऑर्गेनिक सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, वो उसमें किसको होल्ड करेगा, पहला पॉइंट तो बता दिया मैंने, व्हाइल इंडिविजुअल बिकम मोर ऑटोनोमस डिपेंड मोर ऑन द सोसाइटी फॉर टू फुलफिल हिज नीड्स, क्योंकि सोसाइटी इज कैरेक्टराइज बाई द हाई डिविजन ऑफ लेबर, हाई डिविजन ऑफ, हाई डिविजन ऑफ लेबर कैरेक्टराइज बाय द ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही यूज कीजिए। सोसाइटी को क्या है, इंडिविजुअल को अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। ओके okay? व्हाइल बिकम मोर ऑटोनोमस इंडिविजुअल डिपेंड्स मोर ऑन द सोसाइटी। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव लेके आइए ना, टू फुलफिल हिज नीड्स। अब नीचे एग्जाम्पल दे दीजिए, आप एग्जाम्पल में कंटेम्पराइज कर दीजिए ना, एग्जाम्पल आज के दीजिए। देखिए, आज हम इस चीज के लिए अपनी इस पे डिपेंडेंट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंडेंट है, इस चीज के लिए इस पे डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। अपनी स्किल्स ग्रेड ग्रेजुएशन करने के लिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट है। टू फुलफिल हिज नीड्स, तो कंटेम्पराइज करना भी है तो करंट के एग्जाम्पल से कर दीजिए, बस इसको डिटेल में लिख दीजिए। एक मैं डायग्राम लिखवाता हूं, वो देखिए। मैकेनिकल सोलिडेरिटी ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी, ये जो डिक्लाइन कर रहा है, दिस इज द होल्ड ऑफ कलेक्टिव कॉन्शंस, होल्ड ऑफ कलेक्टिव कॉन्शंस। और जो ये राइज कर रहा है ना, जैसे मैकेनिकल से ऑर्गेनिक जाएंगे आप पे, तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअलिज्म का राइज है। इंडिविजुअलिज्म को सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, है भाई, मेरी मर्जी, कहते हैं ना घर पे कुछ बोल दे घर वाले ही कर ले, मेरी मर्जी, मन होगा तो कर लूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। अब जो होल्ड, अगर डिक्लाइन, देखिए क्रिटिकल डिबेट है, ध्यान से सुनिए, अगर होल्ड डिक्लाइन कर रहा है कलेक्टिव कॉन्शंस का, तो करेगा ही करेगा, सोसाइटी विल अंडरगो द सेकुलराइजेशन, रिलीजियस कंटेंट वो भी डिक्लाइन करेगा, कलेक्टिव कॉन्शंस को मानेगा। मेरी मर्जी का मतलब, अब ये नहीं बताओगे कि कास्ट में शादी करने की, गांव में करने, गांव की लड़की को भगा के ले गया, आता ना गांव में न्यूज, अभी भी आती है ना कि गांव की लड़की को भगा लेगा, उसका मतलब क्या, इंडिविजुअलिज्म, मेरी मर्जी, मर्जी से शादी करना चाहूं, अगर लड़के से करना चाहूं तो लड़के से भी कर लूंगा, वो क्या दिखाता है, इंडिविजुअलिज्म कराई जाए। तो इसमें बड़े एमिल डर्खाइम बड़े इसके लिए वो रही थे यार, ऐसे तो सोसाइटी रहेगी नहीं, सोसाइटी में कैसे होल्ड करेंगे सोसाइटी को, ऐसे इंडिविजुअलिज्म बनाई करेगा, सोसाइटी विल बिकम ए कलेक्शन ऑफ द ऑटोनोमस इंडिविजुअल्स एंड द एमिल डर्खाइम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सोसाइटी इज अबाउट द सुप्रा इंडिविजुअल। दोनों में फर्क है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज डिफरेंट थिंग।
यहाँ पे उसकी सोसाइटी की जो नोशन है उनकी सुपर इंडिविजुअल है, यानी कि इंडिविजुअल के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी या कलेक्टिव कॉन्शियस से वो बताएगी। तो उनको दिक्कत हो गई बड़ी, किसको? एमिल डर्खाइम को। यार इंडिविजुअलिज्म तो राइज हो जाएगा, तो सोसाइटी में क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एंड हिज नोशन इज प्रीऑक्यूपाइड विद द कंसेंसस इक्विलिब्रियम। तो वो इसको बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज द इगोस्टिक इंडिविजुअलिज्म, एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द मोरल इंडिविजुअलिज्म। इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म टू बी रिप्लेस्ड बाय मोरल इंडिविजुअलिज्म। यानी कि जो सोसाइटी में है वो इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, मोरली बिहेव करेंगे। तो आपको कैसे बिहेव करना है, मोरली बिहेव करना है। अगर मोरली बिहेव करेगा तो क्या होगा, सोसाइटी में सॉलिडरिटी बनी रहेगी, होल्ड बना रहेगा। कंसर्न तो उसका यही है ना प्रोटेजिलम में, सॉलिडरिटी कैसे बने रहे। तो इस डिबेट को लेके आइए, इगोस्टिक रिप्लेस टू बी बाय मोरल इंडिविजुअलिज्म। तो फिर नेक्स्ट कंट कैसे है, अथॉरिटी का क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन होगा। लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लॉज कैसे बन जाएंगे, रेस्टिट्यूट इन नेचर। ऑब्जेक्ट क्या होगा उनको, आपको रिफॉर्म करना है, आपको रिफॉर्म करके सोसाइटी में फिर इंटीग्रेट करना है, तो सोसाइटी आपको होल्ड टुगेदर। यानी कि अब लॉज किस तरीके से उसको होल्ड करेंगे, तो उस पे लिख के आइए, आज सोसाइटी में लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रिफॉर्म करना, रिफॉर्म टू रिफॉर्म है इंडिविजुअल, उसका दोबारा से सोसाइटी के साथ फिर इंटीग्रेशन करना। तो आज आपको क्या करते हैं, आपको जेल में क्या करते हैं, प्रिजन में सुधार के लिए भेजा जाता है। बच्चा कोई क्राइम करता है तो रिफॉर्म्स के लिए भेजा जाता है, जुवेनाइल होम्स में भेजा जाता है। और जैसे आप जेल से बाहर आएंगे तो आप बैग लेके बाहर निकलेंगे, बैग लेके निकलेंगे यानी कि आप सोसाइटी में दोबारा आपका वेलकम है, अगेन होल्ड टुगेदर। तो लॉज रेस्टिट्यूट, अरे भाई सोसाइटी इस तरीके से आपकी होल्ड करेगी, डेमोक्रेटाइजेशन अथॉरिटी होगा, सब कुछ होगा। इतने में आपका मिल जाएगा 12 मार्क्स, लेकिन दोबारा कहां पे लेके जाना है, 16 पे लेके जाना है। तो आगे फिर ये लिख के आइए कि क्या चैलेंजेस हैं इसको होल्ड करने में, कैसे होल्ड करें भाई इनको, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंपीडिंग द, इस होल्ड टुगेदर वाले वर्ड को नहीं छोड़ना है, फिर वहां पे करना है उसको। तो क्या हो रखा है, फिर लिख के आइए पॉइंट कौन से, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पार्ट्स, इनको लेके आइए कि दीज आर द फैक्टर्स जो इंपीड कर रहे हैं सोसाइटी होल्ड नहीं रहेगी, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। तो फिर क्या गया सर, ये हैं, इसका फिर काउंटर मारिए, काउंटर क्या, सॉल्यूशन दीजिए जो एमिल डर्खाइम ने खुद दे रखे हैं सॉल्यूशन। एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, देखिए एनोमी क्या होती है, एनोमी इज़ कंडीशन ऑफ नॉर्मलेसनेस, और नॉर्म की डेफिनेशन सिंपल लिखिए, रूल्स ऑफ बिहेवियर। अबे भाई आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का कोई रूल्स ही नहीं है, गली में क्रिकेट क्या खेलते थे, इस दीवार का 6 इस दीवार का 4, रूल ही नहीं है, पता नहीं चल रहा किसका आउट मानना है किसका नहीं, कोई बोलता है नहीं नहीं यहाँ नहीं लगी थी गेंद, यहाँ लगी थी, कोई खींचना पड़ेगा ना, रूल्स बनाने पड़ेंगे उसको। तो जो सोसाइटी में जो एनोमिक कंडीशन है उनको दूर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एमिल्डर खाइम, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। देखो सोसाइटी वुड अंडरगो द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन आएंगी, जैसे क्या बन गए आप डॉक्टर्स बन गए, डॉक्टर के लिए कौन बनाएगी कोड ऑफ कंडक्ट, कौन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब लॉयर्स हैं, लॉयर्स के लिए कौन बनाएगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से एमिल डर्खाइम बोलते हैं कि कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे और उसको एनफोर्स करेंगे। तो फिर क्या आएगा, इट वुड लेड टू द हेल्ड टूगेदर, ठीक है। अब फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, क्या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं है, तो क्या करना चाहिए, स्टेट यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्या करने में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे लिख दीजिए आज किस तरीके से
एस सी एस टी को क्या दे रखे हैं, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी दे रखी है, क्या जो फोर्थ डिवीजन ऑफ लेबर जो उन पे इम्पोज किया हुआ था। तो उसको लेके आइए, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्टेट करेगा, इसको लेके आइए। अब कितने पे आपके मार्क्स पहुंच गए, 14 पे, अभी कितने बाकी हैं, 2 मार्क्स और बाकी हैं। तो और क्या लिखेंगे कि कैसे होल्ड करें सोसाइटी को। तो यानी कि इन दैट सेंस यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट कैसे रोल कर सकता है उस सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट करने के लिए। तो कुछ कंटेम्पराइज कह दीजिए उसमें, स्टेट क्या रोल प्ले कर सकता है उस सोसाइटी को होल्ड टुगेदर करने में। अब मान लीजिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो एक सेकुलर स्टेट लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, इसने भी स्टेट को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यानी कि स्टेट कैन प्ले एनी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल्डिंग द सोसाइटी टुगेदर। यानी कि स्टेट और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। अगर स्टेट ऐसे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं करेगा, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यू कैन नॉट होल्ड टुगेदर। कितने आगे, 15, अभी भी 1 मार्क का स्कोप है। और क्या लिख के आएंगे, जो आपके डिवीजन ऑफ लेबर के जो क्रिटिसिज्म है वो लिख के आ सकते हैं। जिन थिंकर्स ने क्रिटिसाइज किया है कि नहीं है मार्क्स को, फिर यूज कर, मार्क्स को यूज करना तो ऐसे यूज कीजिए आप, यार इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट कैसे करेंगे आप, कैसे होल्ड करेंगे, क्लास इंटरेस्ट है, होल्ड कर ही नहीं सकते आप, कॉन्फ्लिक्ट है, नेचुरल है। डेविड लॉकवुड का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, केवल सोशल इंटीग्रेशन की है, आप जिस होल्ड टुगेदर करने की बात कर रहे हैं आप कौन से इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सोशल इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं आप। सोशल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो दैट शुड बी रीडिफाइंड। क्यों, यहां पे सिस्टम इंटीग्रेशन की बात हो रही है, सोशल इंटीग्रेशन कैसे होगा, ऐसे होगा सोशल इंटीग्रेशन फिर स्टेट का रोल है। तो फिर आप कितने आएंगे, 16, फिर भी स्कोप है, छोड़ दीजिए अब दूसरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो लालच बुरी बला है, इसे आगे नहीं बढ़ना है, डिस्कस तो और भी कर सकते हैं इस पे, पर इतना सफिशियंट है, मत जाइए उस पे कि कोई भी एग्जॉस्टिव हो जाए। एक आइडिया और है, एक वीक डेली रख लें क्लास, एक वीक अगर टाइम हो तो, कुछ ताकि टॉपिक्स पर कुछ ना एक इंसाइट मिलेगी, और ये कंटेंट ऐसा नहीं, ये और जगह भी यूज होता रहेगा आपका। चलो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कोऑपरेटिव्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। कैसा क्वेश्चन था भाई, डिस्कस कोऑपरेटिव्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। कैसे लिखेंगे इस पे, या शिवा विटामिन डी लिया, तो बोलो भाई चुप क्यों बैठे हो, सुबह से इतनी दवाई खा रहे हो तुम, ये तो बोलना चाहिए। कैसे लिखोगे भाई, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन आ गया तो अब करोगे क्या वो बताओ ना आगे। सोशियोलॉजी है ये, आगे हाँ यश दुबे जी, इस पे तो आप प्रकाश डाल ही सकते हैं, है? पूरे जीवन का अनुभव है। पता क्या है, स्कूल में जब एसएल नहीं आता था ना, गाय पे किसी को एसएल लिखने के लिए करते थे, और किसी को पेड़ पे एसएल लिखने के, घर से पढ़ के आए पेड़ का, अब वहां पे आ गया गाय का, तो क्या किया, पहले गाय को रस्सी लेके ना पेड़ के बांध दिया है, अभी पेड़ को एक्सप्लेन करके आगे 2 पेज पे,
ये यूनिवर्सिटी की अप्रोच होती है जो लिखने की, क्योंकि इतना क्वालिटी तो है नहीं कि भी वहाँ पे दिखा जाता, इसलिए आंसर राइटिंग भी बहुत प्रूफ पुअर होती है। तो जो पूछा गया ना वही है, कोऑपरेटिव को आपने कॉरपोरेट से बांध दिया सर, कॉरपोरेट को बता देंगे, तो प्यार को क्या रहने दो, ये फॉर्मूला है बहुत बड़ा, आंसर राइटिंग सब गलती मिलती है सबका, जो है वो लिखिए ना। पता क्या है, अगर आपको चार भी कीवर्ड अगर अपने ध्यान से पढ़े होते हैं ना आर्टिकल 43B के, आर्टिकल 43B के अगर चार वर्ड बता देते पूरा आंसर लिख देते आप, क्यों नहीं करते यार। हाँ कर रही है ना, फिर देखिए वो ठीक है, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड लेके आइए, ठीक है वो आपका पॉइंट ठीक है। देखिए सिंपली बात है, वहां पे क्या लिखा गया आर्टिकल 43 में, सबसे हेडिंग डाली है वॉलंटरी एसोसिएशंस, वॉलंटरी एसोसिएशंस किसकी, मेंबर्स की, ठीक है। और उसका मेंबर्स, मेंबरशिप क्या होती है, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ, अब कौन बोलेगा इस पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट, सब लिख दीजिए वहां पे, कास्ट जेंडर रिलीजन जेंडर, आ गया ना सोशियोलॉजी, जो भी इसका मेंबर चाहे इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट इस पे क्या लिख के आएंगे, केवल कीवर्ड्स के लेके उसको प्रॉपर जस्टिफाई कर दीजिए बस, यहां पे अंदर फिर सोशियोलॉजी आपका अपने आप आ गया है। आगे क्या लिखेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल यानी कि देखिए पहले पॉइंट से लॉजिकल, इसमें क्या लिखिए वर्ड को घुसा दीजिए, दिस वॉलंटरी एसोसिएशंस को कौन कंट्रोल करता है, कुछ कमेटीज होंगी ना, कुछ मैनेजमेंट कमेटीज होंगी, उन मैनेजमेंट कमेटीज को कौन इलेक्ट करेगा, दिस मेंबर्स क्या करेगा, इलेक्ट करेगा, तो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, मैनेजमेंट कमेटीज कंट्रोल करती हैं, इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, और वो इस पे क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, एग्री। आगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका, इसलिए मैंने इसको पूछा था आपसे। कैपिटलिज्म में जो प्रिंसिपल है ना, कॉरपोरेट का जो प्रिंसिपल है, वो सारा कैपिटलिस्ट के पास जाएगा उसकी के लिए, यहाँ पे जो ओनरशिप है वो किसके पास है, सबके पास यहाँ पे ओनरशिप है, समझ रहे हो ना, कंज्यूमर वर्सेस ओनर का क्या डिस्प्यूट आता है, यानी कि इसको कॉपरेटिव सोसाइटी को इशू को लेके आप कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते हैं, क्यों, आप तो ओनर हैं, ओनर तो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर तो ओनर है, ओनर तो मालिक है, मालिक ही थोड़ी जाएगा कंज्यूमर फोरम में, ये कुछ लीगल इश्यूज थे। यानी कि सिंपल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इस पे कम से कम आधा पेज लिख के आइए, मैंने इस वजह से इसको पूछा गया है, इसमें आप कॉरपोरेट का कंपेरिजन लेके आइए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में, ये इनको एक बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो इसमें फिर एग्जांपल दीजिए, जैसे कि अमूल का, अमूल्स ने किस तरीके से लोगों की लाइफ को, लिज्जत पापड़ का इसमें एग्जांपल दीजिए आप, फिशरीज कोऑपरेटिव्स उनका एग्जांपल दीजिए इसमें आप, इसमें फिर कॉरपोरेट से कंपेरिजन की, वहां जो प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट इटसेल्फ, यहां पे प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। आगे फिर क्या लिखेंगे, इनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, या क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंटरप्राइज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और एंटरप्राइज, स्टेट भी क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करती है, अमूल का भी आपका सीईओ होगा कोई, उसके लिए क्या होगी, मार्केटिंग करेगी वो सब कुछ करेगी है? ये बेसिक प्रिंसिपल्स के लिखने के बाद हेडिंग डाल दीजिए, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन रूरल डेवलपमेंट।
आप थोड़ा ये सोच रहे होंगे ना कि कंटेंट थोड़ा सा पेरिफेरी में जा रहा है, कोर को एक पेज पे हिट करने के बाद पेरिफेरल कंटेंट आपके डाइवर्सिफाइड डायमेंशंस लेके आएगा। क्या बता बुड्ढा प्रोफेसर, बोला ये तो लिखा ही नहीं, आप केवल कंटेक्स्ट पे सोचते हो कि प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स एक पेज पे डिस्कस कर तो दिए। अब क्या लिखिए, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है आपकी, हाउसिंग सोसाइटी क्या है, इफको क्या है आपकी, कोऑपरेटिव्स तो हैं, फिशरीज कोऑपरेटिव्स, अमूल क्या है, मदर डेयरी क्या है, फिर कंटेम्पररी रेलिवेंस। कंटेम्पररी रेलिवेंस क्यों, कैसे लिखोगे भाई, सोसाइटी में क्या बढ़ रही है, इनइक्वेलिटीज बढ़ रही हैं, कॉरपोरेट्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, ऊपर से टैक्स इवेजन भी कर रहे हैं। तो जो कॉरपोरेट एज ए प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क था, उसने क्या की है, इनइक्वेलिटीज जनरेट की हैं, टैक्स का इवेजन हो रहा है, स्टेट्स को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। ओके तो हमें किसकी आइडिया है, किसको रिवाइव करने की आइडिया है, कोऑपरेटिव एज ए प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड द पीपल हु हैव एक्सेल्ड इन द कोऑपरेटिव्स कैन बी अपॉइंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पढ़ा ना सिलेबस में, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, नाउ राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट, बट स्टिल देयर आर अहेड चैलेंजेस, उसके करने के लिए कोई कमेटी का रिकमेंडेशन ये सब होना चाहिए। कुछ समझ में आया, तो कॉरपोरेट से लिंक करना है लेकिन अप्रोप्रिएट जगह पे लिंक करना है उसको। और ये क्वेश्चन जो पूछने का मेरा ऑब्जेक्टिव था वो इसलिए था, अगर सिंपल बात सोचें भाई, सब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव पे अचानक से ध्यान किस कैसे गया सबका। अचानक मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूं, मान लीजिए किसी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया हरियाणा से, आईसीआईसीआई बैंक को, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस को, किस चीज से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो पार्टनर थी उसको करने में, यार वो उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, शेयर नहीं करना है तुम्हारे साथ। तो फार्मर सोसाइटी कर रहे हैं, फार्मर्स की सारी फसलें बर्बादी हो गई हैं, कंपनी मुनाफे में चल रही है, क्यों, जो उसका वर्क ऑर्गेनाइजेशन वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे है, कॉरपोरेट के पे, वो नहीं करेगा शेयर, आप जो कुछ भी कहते रहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट की थी कि स्टेट चाहे तो अपनी कंपनी बना सकता है भाई। अब स्टेट बनाएगा तो क्या बन गया, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी बन गई, तो कुछ एक नया मॉडल लेके आइए ना कोऑपरेटिव्स। अगर फार्मर्स की आपको वेलफेयर करनी है, जैसे मैं एक यहाँ पे पूछ रहा था, मैं एक से यहाँ पे कोई डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता है, अच्छे अल्टीमेट प्रोडक्ट है उसके, वो डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्योर करता है। मैं बोला यार आपको तो अच्छा चल रहा है आपका, बोला नहीं, हम इसे बंद करने वाले हैं। बोला बंद क्यों करने वाले क्यों, वो बोला कि इसका रनिंग कॉस्ट ही इतना हाई है। फिर मैं एक बार मोहाली में घूम रहा था, मोहाली में देखा कि फार्मर्स के लिए कुछ मॉल बना रखा था पंजाब गवर्नमेंट ने, कुछ वो खाली पड़ा है 7-8 साल से। रीजन भाई, आप सीपी में कोई एग्रीरियन प्रोडक्ट्स का मॉल बना के नहीं बेच सकते हो, प्रॉफिट नहीं है। लिवाइस की जींस 6000 रुपए की बिक जाएगी आपकी, 6000 रुपए किलो, तो कोई दही थोड़ी लेगा कोई। और फिर उसमें क्या होता है ना, मान लीजिए 20% कोई कटिंग, 20% उसकी जींस की बनाने की कॉस्ट है, फिर दीपिका पादुकोण ने उसकी ऐड कर रखी है, तो वो भी लेगी ना, फिर एडवर्टाइज मार्केटिंग ब्रांडिंग पे प्रॉफिट पे 80% कॉस्ट वहां पे है, तो प्रॉफिट कहाँ बचेगा भाई, शेयरिंग कहाँ से होगी, कैसे वेलफेयर होगी। फार्मर्स का वेलफेयर तब तक नहीं होगा जब तक उसको मैक्सिमम उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, और वो कोऑपरेटिव्स के बेसिस पे हो सकता है, ऐसे इनोवेटिव कोई बिजनेस मॉडल के बेसिस पे हो सकता है। आप तो कोऑपरेटिव बता रहे हैं, ओवरऑल कोऑपरेटिव इज जस्ट जस्टिफाइड ऐसा कोई मॉडल, तो मतलब दैट इज व्हाई आई फ्रेम द क्वेश्चन, हाउ टू ऑर्गेनाइज द वर्क, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए ना कि वो प्रॉफिट शेयर हो, पीपल्स के एसोसिएशन हो, डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन हो, पीपल्स आए आगे, और गवर्नमेंट कर भी रही है, इसलिए आई डिड दैट। ठीक है,
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस को ना बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक अप्रोच बताई मैंने कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे सोचना है, कैसे डिस्कस करना है, वो करते हैं।